वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज है हमारी नॉर्सेट की क्लास सेकेंड। तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस है जो मिस ना हो पाए। जैसा मैंने आप सभी से कल कहा था कि आपके जैसे जैसे डेज हैं जो पास होते जाएंगे, आपकी डेली एक क्लास नॉर्सेट के लिए रहेगी और एक क्लास आपके जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेशली जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन हमें जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर की जाएगी। तो आज की क्लास में मोस्टली आपको गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे, मिडवाइफरी के क्वेश्चन रहेंगे और 30 है जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 30 इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि गायनेकोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की इमेज और इंस्ट्रूमेंट्स का क्या यूज़ है और ये कब यूज़ किए जाते हैं वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये कह सकते हैं कि मेनली आज की क्लास आपकी बेसिक गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी, ओबीजी को लेके है, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रिपीटेड भी हो सकते हैं कि आपको लास्ट टाइम आए भी हैं नॉर्सेट में या फिर अदर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहें और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब सबसे अच्छी चीज़ की है क्वेश्चन नॉर्सेट के अलावा जिनका MHSR भी तेलंगाना के लिए एग्ज़ाम है, MP में पेपर है या फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम देते हैं, तो सभी में हेल्पफुल है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम्स के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऐड किया गया है वो है द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्विक्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है आपका चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, गॉडेल साइन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना क्या कहलाएगा, वो भी पहले ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के तीन महीने ही कहेंगे हम, या फिर 12 वीक की प्रेगनेंसी में। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तीन ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड की जाती है, 12 वीक करके है जो यहाँ पर डिवाइड की जाती है, टोटल तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड की जाती है। पहले ट्राइमेस्टर की यदि हम बात करें तो जो साइन देखने को मिलेगा एक्सट्रीमली शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स कौन सा होगा, वो होगा गॉडेल साइन। कौन सा साइन? वो होगा गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जो चैडविक साइन है, यहाँ पर वेजाइना और सर्विक्स का कलर जो कैसा होगा, ब्लू और वॉयलेट होगा, किस लिए? इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी के कारण। तो इनकेस आपको एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स कहें इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपको कहना है गॉडेल साइन। यदि आपको कहें कि जो वेजाइना और सर्विक्स का कलर ब्लू है, पर्पल टाइप का हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा चैडविक साइन। ओसिएंडर साइन का मतलब है लेटरल फॉर्निक्स में 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पल्सेशन ज़्यादा फील होना, और ये भी होता है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो के कारण, ब्लड फ्लो की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर तीन तरीके के साइन जनरली होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्प्टिव एंड पॉजिटिव साइन। तो प्रोबेबल, प्रिजम्प्टिव जो पॉजिटिव साइन है, तो कन्फर्मेटरी साइन किसको मानेंगे हम, जिसमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन होंगे, मतलब USG कन्फर्म करेगी, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेगा, जब फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई देगी तब, तो वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो गॉडेल्स हो गए, चैडविक हो गया, ओसिएंडर हो गए, क्विकनिंग हो गया, ये सभी क्या हैं? प्रोबेबल साइन है। क्या है? प्रोबेबल साइन है, मतलब एग्जामिनर ने आपको बताया है, मतलब एग्जामिनर ने जब आपको चेक किया तो आपको पता चला कि प्रेग्नेंट हैं आप, तभी आपको ये साइन देखने हैं जो फील होंगे। एक साइन और एग्जाम में आता है, वो होता है क्विकनिंग। कौन सा? क्विकनिंग, मतलब माँ को जो अपने बच्चे के पहले फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोमेडिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में माँ के ब्लड में कौन से मार्कर देखने को मिलेंगे, बायोमेडिकल मार्कर देखने को मिलेंगे जब आप सीरम ब्लड टेस्ट कराते हैं? कौन से बायोमेडिकल मार्कर हैं जो बड़े हुए देखने को मिलेंगे? एल्कलाइन फॉस्फेट, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। तो होगा अल्फ़ा फीटो प्रोटीन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या कब बनती है? बनती है इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड। जब माँ कंसीव करना चाहती है, कोई भी लेडी कंसीव करना चाहती है, तो उसको उसी टाइम से फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सके। इन केस
इन सम केसेस आपने फॉलिक एसिड भी दिया, लेकिन जब आपने सीरम ब्लड टेस्ट करवाया, कौन सा केमिकल मार्कर बढ़ा हुआ होगा कि कंफर्म होगा कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, तो वो होगा अल्फा फीटो प्रोटीन। दो केस होते हैं, एक अल्फा फीटो प्रोटीन रहता तो है जो नॉर्मल लेवल पर रहेगा, लेकिन जब यदि सी का लेवल, अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है मदर के सीरम में, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है। यदि इसी अल्फा पीटो प्रोटीन का लेवल कम होता है, मतलब बच्चे को डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 21 है जो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट वन इज एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एजेस। तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होंगे, 2 and 3 months में, 12 and 18 months में, 3 and 6 months में, 1 and 9 months में। दो तरीके के फॉन्टेनल होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर, दूसरा होता है एंटीरियर। सबसे पहले बंद होते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल, कौन से, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो कि 6 to 8 weeks की एज में ही बच्चे के बंद हो जाते हैं, आफ्टर बर्थ के 6 से 8 weeks की एज में बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, जो कि 12 से 18 months की एज में बंद होते हैं। एंटीरियर मतलब जो सामने, जो बच्चे का आप जिसको तालू कहेंगे, फोरहेड के ऊपर जब आप हाथ रहेंगे, स्पेशली बच्चे की उम्र जब 1 साल से भी कम हो, तो आपको ऐसे लपटप लपटप करके यहाँ पर फील होगा, हाथ रख के चेक कर सकते हैं आप जिसके यहाँ भी बच्चे हों, तो क्या होगा एंटीरियर फॉन्टेनल। और ये जनरली कब क्लोज हो जाते हैं, होते हैं 12 से 18 months की एज में। नेक्स्ट इज द डिसीज कैरेक्टराइज बाय प्रोटीन यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, डिफ्यूजिव एडिमा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरलिपिडीमिया। तो ऐसी डिसीज़ जिसमें प्रोटीन यूरिया है, हाइपरप्रोटीनेमिया है, एडिमा है, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल और हाइपरलिपिडीमिया है, तो ये क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रेक्यूट रीनियल फेलियर। तो नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना, कॉलीलिथियासिस कहें तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब यहाँ पर ये जो साइन बताया है कि प्रोटीन यूरिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, ये सभी किसके साइन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल साइन है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो जब आप हनी लेते हैं तो उसमें हाईएस्ट सुगर कौन सा होगा, कौन सा सुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लैक्टोज वाला, ग्लूकोज वाला, माल्टोज की फ्रक्टोज। तो सुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी, तो हनी में जो सुगर कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो होगा फ्रक्टोज, कौन सा, फ्रक्टोज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में मोस्ट सीवियर सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सेप्टिसीमिया, ब्लीडिंग, फैट एम्बोलिज्म या फिर डिहाइड्रेशन। तो यदि किसी को हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा फैट एम्बोलिज्म, क्या है, फैट एम्बोलिज्म। और किस तरीके से होगा, फैट एम्बोलिज्म इज अ पीस ऑफ इंट्रावास्कुलर फैट दैट लोड विद इन अ ब्लड वेसल कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो अब यदि यही ब्लड फ्लो, यदि किसी को क्या है, फैट एम्बोलिज्म, फ्रैक्चर हुआ है, फैट एम्बोलिज्म होता है। फैट एम्बोलिज्म का मतलब है कि फैट के कोई भी पार्ट जो आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं वो जाके एक जगह कहीं फंस जाए, ज़्यादा फैट का यदि डिपोजिशन होता है, और वो फैट एम्बोलिज्म है जो एम्बोलाई क्या है, थक्का टाइप से या फिर हम क्लॉट टाइप से कुछ कह सकते हैं, ब्लॉकेज करेगा, तो ये जनरली फ्रैक्चर में इसलिए होगा कि आप ना तो ज़्यादा हाथ पैर चला पाएंगे, और तब होता है जनरली जो लॉन्ग बोन होती हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स की लॉन्ग बोन्स होंगी उनमें फ्रैक्चर होने के कारण, तब फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। और फैट एम्बोलिज्म सीरियस कैसे माना जाएगा, कि जो आपके ब्लड फ्लो को ही ब्लॉक करने का काम करेगा, जब ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज होगा, प्रॉपर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और एक डेंजर है जो चीज़ें कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट दैट मीन्स आईवी ट्यूब्स और कैथेटर्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर ऑफ प्लास्टिक बैग। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें आईवी ट्यूब्स हो गई, कैथेटर्स हो गए, तो इनको आप किसी अलग बैग में सेग्रीगेट करेंगे, तो ये किस कलर के बैग में करेंगे, ब्लैक में, ब्लू में,
रेड में कि येलो में, तो एक किस कलर के बैग में आप सेग्रीगेट करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी सेग्रीगेट की जाएंगी रेड कलर के बैग में, किस में, रेड कलर के बैग में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेड। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन है किसी एक को छोड़कर, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, या फिर इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। तो सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन है किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं है वो होगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, डायलिटेशन होगा सीपी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्सियसनेस जाएगी, प्यूपिल डायलेट होंगी, पल्स एब्सेंट रहेगी, जो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है। ये क्लासिकल साइन कंसीडर किया जाता है ओपियोइड पॉइजनिंग का, ओपियोइड ओवरडोज में साइन है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन प्रीमेच्योर बेबी दैट मीन्स बर्थ वेट इज बिलो 2 kg इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर विच वैक्सीन। यदि किसी बच्चे का वजन, प्रीमेच्योर बेबी, बच्चा जो पैदा हुआ है, बर्थ वेट उसका 2 kg से भी कम है, 2000 ग्राम इससे भी कम है, तब आप उसमें कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, OPV, मीजल्स, BCG या फिर हेपेटाइटिस बी। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ OPV दी जाती है, BCG दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है। तो आप OPV दे सकते हैं, BCG के लिए आप वेट कर सकते हैं, BCG के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। यदि 1 month तक किसी भी रीज़न से नहीं दी गई, 2 kg वाले बच्चे में आप दे सकते हैं। यदि नहीं दी जाती तो 1 month तक दे सकते, 1 month तक नहीं दी जा पा रही तो 1 साल तक आप दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। लेकिन यदि बच्चे का वजन, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है, वजन 2 kg से भी कम है, तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है, नहीं दी जाती है। एक्चुअल में वैक्सीन तुरंत दी जाती है, शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। इन केस बेबीज हु इज बॉर्न प्रीमेच्योरली एंड वेट लेस देन 2 kg, तब यहाँ पर वैक्सीन नहीं दी जाएगी बच्चे को, वैक्सीन इज लेस इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि 2 kg से कम है बच्चे का वजन, तो वैक्सीन नहीं दी जाएगी। फिर ऐसे केस में आप बच्चे का वजन बढ़ने का वेट कर सकते हैं, 1 महीने की एज तक बच्चे का वजन बढ़ने का वेट कर सकते हैं, तब आप उस बच्चे को ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे सकते हैं। क्लियर है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब नहीं दी जाएगी, तब बच्चे का वजन 2 kg से भी कम हो, क्योंकि इफेक्टिव नहीं होगी, वो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच, कि 1 महीने के अंदर बच्चे का वजन 2 kg क्रॉस कर जाता है, तब आप उसको ये वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच फूड आइटम हैज द हाईएस्ट कैलोरी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरी किस फूड आइटम में है, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में, कि प्रोटीन में। तो हाईएस्ट कैलोरिक फूड है जो आइटम है यहाँ पर, वो होगा फैट। क्या होगा, फैट, क्योंकि 1 gram फैट देगा 9 kcal, 1 gram फैट इक्वल टू 9 kcal, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो 4 kcal ही मिलेगी, कितना, 4 kcal ही मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कैलोरिक फूड आइटम्स होंगे फैट, कौन से, फैट। व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड व्हेन द बैग ऑफ वाटर इज रप्चर, तो यदि बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होगा, नॉर्मल की बात की जा रही है ना, कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की, कि RH इनकम्पेटेबिलिटी की, किसी भी तरीके की नहीं, साफ साफ कहा है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होगा, क्लियर होगा, ग्रीनेस होगा, ब्राउनेस होगा, कि गोल्डन होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ एमनियोटिक फ्लूड है जो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा, मतलब कैसा, बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें यदि ग्रीनेस कलर है, ब्राउनेस कलर है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज तो डेवलप हुई हैं, ज़रूर हुई हैं। तो यदि नॉर्मल पूछे तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्लियर है। लेकिन एमनियोटिक फ्लूड में कलर के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात आती है, ग्रीन कलर का होता है, यदि एमनियोटिक फ्लूड ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टैंड, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो उसमें आ गया, तो ग्रीन हो गया। गोल्डन है, मतलब माँ को RH इनकम्पेटेबिलिटी है। ऐसे केस में एज सून एज बच्चा डिलीवर होता है और कॉर्ड क्लैंप कट की जाती है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है, कि माँ की जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो पाए। यदि ग्रीनेस येलो कलर का है, मतलब बच्चा पोस्ट मैच्योरली पैदा हुआ है, दैट मीन्स 42 week की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो ग्रीनेस येलो रहेगा। जैसे जैसे 35 week की प्रेगनेंसी के बाद जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूड का कम है जो लेवल है, कम होते जाएगा, जिसको हम AFI इंडेक्स कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स कहेंगे,
जैसे जैसे प्रेगनेंसी 35 वीक के आगे जाएगी AFI इंडेक्स कम होते जाएगा और हाइड्रोमनियास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी में हाइड्रोमनियास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर यदि डार्क रेड कलर का आता है एमनियोटिक फ्लूड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। यदि टोबैको जूसी, ऐसा तंबाकू का जो कलर होता है ब्राउनिश टाइप का रहेगा एमनियोटिक फ्लूड, दैट मीन्स बेबी जो फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ, बेबी की जो डेथ है वो कहाँ हो गई, यूट्रस में ही हो गई है, तब एमनियोटिक फ्लूड का कलर ब्राउन रहेगा। और इनकेस आप बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि यदि माँ के यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाती है और यदि जो बच्चा डेथ हुआ है उसको विद इन 24 आवर के बाहर नहीं निकाला जाता है तो माँ को इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है, माँ को सेप्टिसीमिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इस तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर साल्पिंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस या प्रोवेजाइनाइटिस। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप यूटराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो एक इसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को आप क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी। विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज या फिर अप टू 6 वीक या फिर नन ऑफ दी अबव। परपीरियम पीरियड में रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? तो रिमोट स्टेज कहलाती है अप टू 6 वीक तक की। कितनी? 6 वीक तक की। अब यहाँ पर स्टेज होती है परपीरियम पीरियड की, परपीरियम पीरियड की 3 स्टेज होती हैं। इमीडिएट परपीरियम मतलब पहले 24 घंटे, द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर परचुरेशन, बेबी की डिलीवरी होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? बर्थ, जो वजाइनल बर्थ है या फिर जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पार्चुरेशन। तो यहाँ पर 24 आवर, जो फर्स्ट 24 आवर है, ये कहलाएगा पार्चुरेशन के बाद का इमीडिएट परपीरियम पीरियड। अर्ली परपीरियम होगा फर्स्ट वीक का, कौन सा? फर्स्ट वीक का। रिमोट परपीरियम होगा जब तक जो 6 वीक का पूरा ड्यूरेशन दिया जाता है परपीरियम पीरियड को, तो वो कहलाएगा पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड, रिमोट परपीरियम पीरियड, जो कि अप टू 6 वीक तक का रहेगा, जिसमें माँ के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो जाते हैं, वो टाइम पीरियड। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि इन केस किसी भी रीजन से यूट्रस वापस से अपने शेप में नहीं जाती है तो क्या कहलाएगी? इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन्वोल्यूजन का मतलब तो है कि वापस से रिवर्ट बैक हो जाना नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज है, तो यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम तक, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक हो जाता है। अब यहाँ पर डिलीवरी के बाद फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, एमनियोटिक फ्लूड बाहर हो गया, तो 5 kg तक वेट तो तुरंत ही घट जाता है। अब यहाँ पर यूट्रस का वजन, जो कि एक इलास्टिक वे में बढ़ती जाती है जैसे जैसे जेस्टेशनल पीरियड बढ़ता है वैसे, तो नॉर्मल से रिवर्ट बैक होगी और इसको टाइम लग जाता है पूरी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको 6 वीक तक का, जिस पीरियड को हम कहते हैं परपीरियम पोस्टपार्टम पीरियड। तो यदि यूट्रस वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है तब हम इसको कहेंगे सब इन्वोल्यूजन। क्या कहेंगे? सब इन्वोल्यूजन। और सब इन्वोल्यूजन देखने को मिलता है ग्रैंड मल्टीपैरिटी में, जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हुए हों, ट्विन प्रेगनेंसी में जिसमें यूट्रस ओवर डिस्टेंटेड रही हो, इल मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ सही नहीं, सिजेरियन सेक्शन, यूटराइन प्रोलैप्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, इन सभी केसेस में क्या होगा? यूट्रस को वापस से रिवर्ट बैक होने में टाइम लग जाता है या फिर यूट्रस रिवर्ट बैक नहीं होगी। क्लियर? अ केस ऑफ 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोसिस। 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या डायग्नोस होगा? प्रीमेच्योर लेबर डायग्नोस होगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा कि एक्सीडेंटल हेमरेज होगा।
तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है तो अबॉर्शन के केस में नहीं जाएगा, यहाँ पर 20 वीक तक कंसीडर किया जाएगा, ना ही प्रीमैच्योर लेबर में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 28 वीक की प्रेगनेंसी है, दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीवी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जब ये पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती, मतलब ब्लीडिंग तो होती लेकिन दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग होती तब आप प्लेसेंटा प्रीविया कह सकते हैं। बट यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है, दर्द के साथ हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वूमेन। तो प्रेग्नेंट वूमेन में हीमोग्लोबिन वैल्यू है जो क्या बताएगी कि एनीमिया है या नहीं। हीमोग्लोबिन लेवल 11%, Hb 12%, Hb 9% या फिर Hb 13%। तो हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेग्नेंट वूमेन में 9% से कम जाता है, दैट मीन्स लेडीज़ को क्या हुआ है, प्रेग्नेंट वूमेन को एनीमिया हुआ है। अब यहाँ पर वाय द WHO के जो हीमो प्रेगनेंसी में यदि एनीमिया कंसीडर किया जा रहा है तो लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, लेकिन एज एन माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्री सीवियर की हम बात करते हैं तो 9% से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। कितना से? 9% से। तो यहाँ पर 9% से कम है, मतलब क्या है, एनीमिया हुआ है, फिर इसकी माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी रहेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। तो गुड अटैचमेंट साइन सभी ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर, बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, एफ मेजोरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात हो रही है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है किसी एक को छोड़कर। तो बेबी का जो माउथ है वाइडली ओपन रहेगा, लोअर लिप बाहर की तरफ होंगे ना कि अंदर की तरफ, बेबी का चिन माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा और जो एरियोला का मोस्टली पार्ट है वो बेबी के माउथ में रहेगा, तो गुड अटैचमेंट साइन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑप्शन है वो है लोअर लिप टर्न इनवर्ड, जनरली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, चिन फर्मली टच द ब्रेस्ट, और यहाँ पर जो बच्चा है अपनी माँ को आई कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी क्या है? गुड अटैचमेंट साइन है इसके, ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। तो दो डिफरेंट ओवम का एक ही साइकिल में रिलीज होना क्या कहलाएगा? सुपरफिटेशन, सुपरफिकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेप्रिकस। तो यहाँ पर जो यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो डिफरेंट ओवम का, लेकिन एक ही सेम साइकिल में, एक ही बार के जो पीरियड्स आते हैं उसमें दो ओवम, दो अलग अलग ओवम एक ही बार रिलीज होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सुपरफिकंडेशन। क्या कहलाएगा? सुपरफिकंडेशन। दूसरा होता है सुपरफिटेशन में, मतलब दो डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम इन अ डिफरेंट साइकिल, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम इन अ सेम साइकिल तो होगा सुपरफिकंडेशन। सुपरफिटेशन में होगा दो ओवम का, दो अलग अलग डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन। यदि सुपरफिटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक जो फीटस है उसकी जो जेस्टेशनल एज होगी वो होगी 28 वीक, यदि दूसरी साइकिल में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसमें 4 वीक वो और बात का रहेगा। तो इस तरीके से एक होगा 34 वीक या फिर 24 वीक मान लो, या फिर 28 वीक, कुछ भी मान लो, 4 वीक का गैप आप देके इसको समझ सकते हैं। कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर कि दोबारा से जिन पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर भी निडल होल्डर है जो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको निडल होल्डर की इमेज और इसका मेन यूज़ क्या है, सूचिंग नीडल को पुश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेन डिसेक्टिंग फोरसेप्स, इमेज देखिए आप लोग क्या है, प्लेन डिसेक्टिंग फोरसेप्स यहाँ पर इमेज रही, जिसका यूज़ क्या होता है, जो ग्रास्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट, ग्रास्पिंग का मतलब जो भी बड़े ऑर्गन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है।
जो ग्रास्पिंग और जो होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी डेलिकेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे, जैसे कि क्या रहेगा, वेसल्स, और उसमें ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, पेरिटोनियम, नर्व एंड मसल्स, जितने भी डेलिकेटेड स्ट्रक्चर हैं उनको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, नाम क्या है इसका, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। क्या नाम है इसका, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। और इसमें जो यहाँ पर आपको इसकी ब्लेड दिख रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जॉ टाइप यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे आपको किसी भी टिशू या फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ने में क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। और जनरली जो भी लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं उनको पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्लैंप करने के लिए भी यूज़ किया। यहाँ पर इमेज है, इनका आपको अपने माइंड में सेट करना और इनका मेन क्या यूज़ है वो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ये हर एक एग्जाम में आता है, इमेज देखिए आप, सी शेप और बीच में आपको कर्व टाइप से दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, स्टेनलेस स्टील का इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, इट्स अ डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ ग्रूव इन द मिडिल। तो जो यहाँ पर ग्रूव, जो मैंने यहाँ पर कर्व कहा है तो वही है, तो क्या है, डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मिडिल में क्या है, ग्रूव है, कर्व टाइप से है, जो कि वेजाइना को रिट्रैक्ट और एक्सपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिम्स स्पेकुलम इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू रिट्रैक्ट पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल फॉर एग्जामिनिंग द वेजाइना इन सर्विस। तो नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम, इसका नाम क्या है, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ये डबल ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है, और इस ये क्या करेगा, वेजाइना को रिट्रैक्ट करेगा, एक्सपोज करेगा, जिससे जो भी वेजाइना और सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जाना है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, यहाँ पर ये देखिए एक के दो इमेज है, तो ये ओपन मोड में दिख रहा है, दूसरा क्लोज मोड में दिख रहा है, हो सकता है आपको इस तरीके से तो आप समझ ना पाए, इसलिए दोनों इमेज यहाँ पर रखी हुई है। कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, इसका यूज़ किसके लिए होता है, वेजाइना और सर्विक्स के विजुअलाइजेशन के लिए ही इसका भी यूज़ किया जाता है। तो क्या है, द टू ब्लेडेड और बाइवॉल्व, दो ब्लेड है यहाँ पर, अपर और लोअर यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गायनेकोलॉजिस्ट यूज टू एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्विक्स। तो यहाँ पर आपको जो गायनेकोलॉजिकल ट्रे होगी उसमें आपको सिम्स स्पेकुलम देखने को मिलेगा, कस्को वेजाइनल स्पेकुलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, टू ब्लेडेड है स्पेकुलम, जो कि वेजाइना और सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि द डॉक्टर इंसर्ट द स्पेकुलम इनटू द वेजाइना एंड ओपन अप द ब्लेड। तो यहाँ पर डॉक्टर वेजाइना में इस तरीके से इंसर्ट करेगा, लेकिन जो हैंडल है इसकी हेल्प से क्या करेगा, वेजाइना में ही इसको ओपन करेगा, जिससे जो वेजाइना और सर्विक्स से प्रॉपर तरीके से एक्सपोज होगी और आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए, पैप स्मियर, वेजाइनल इरोशन के कॉटराइजेशन के लिए और कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली नाम यूज़ क्या है, वेजाइना सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए डॉक्टर इसको ऑफ मोड में इंसर्ट करेंगे, जो ब्लेड है वो बंद मोड में इंसर्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर इंसर्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे, इससे वेजाइना प्रॉपर और सर्विक्स प्रॉपर तरीके से एक्सपोज होगी, दिखाई देगी। इसका मेन यूज़ है IUCD इंसर्ट करने के लिए और पैप स्मियर, वेजाइनल इरोशन में कॉटराइजेशन के लिए, कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये जनरली जितनी भी क्रायो सर्जरी होती हैं, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर सिम्स स्पेकुलम है, इसको है जो डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो कस्को वेजाइनल स्पेकुलम है इसको डॉक्टर सेल्फ रिटेनिंग, क्योंकि इसमें आपको दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको आप जो ब्लेड है ऑफ मोड में इंसर्ट करेंगे और अंदर इसको ओपन कर देंगे, जिससे पूरा वेजाइना सर्विक्स विजुलाइज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, तो भी गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फीटल हेड को एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी वैक्यूम डिलीवरी होती हैं, यहाँ पर एक इमेज और है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो पहले देखिए क्या है, दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, जो कि डबल ब्लेडेड मेटल इंस्ट्रूमेंट है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड होंगे और शॉर्ट कर्व होंगे। तो यहाँ पर इसका मेन यूज़ क्या है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा दास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेस। इमेज आपको याद रखना है, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है आपको यूज्ड फॉर्म में दिखाया जाए और आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एपिजियोटॉमी सीजर, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। एपिजियोटॉमी सीजर, ब्राउन स्टेल्डर एपिजियोटॉमी सीजर जो कि एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है लेबर और डिलीवरी के टाइम पर। तो यहाँ पर इसकी जो ब्लंट ब्लेड है, इसमें अलग तरीके का जो एंगल है, यहाँ पर आप इमेज अपने माइंड में सेट करके रखिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो एपिजियोटॉमी सीजर है जो ब्लंट ब्लेड है यहाँ पर, जो कि पेरिनियोटॉमी और एपिजियोटॉमी सीजर से जो कि लेबर और डिलीवरी के टाइम पर वजाइना और पेरिनियम के बीच में एक जो कट लगाया जाता है उसके लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि हाई क्वालिटी कट इज हैज़ अ स्लेंडर शार्प डबल वी बेल ब्लेड फॉर प्रिसाइज कटिंग शॉर्ट एंड फ्लैट। तो यहाँ पर ये जो इसकी ब्लेड है, यहाँ पर आपको इसकी जो ब्लेड दिख रही है क्या करेंगी, प्रॉपर शार्प कट लगाने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। यहाँ पर देखिए टूथ जो यहाँ पर देखिए दो इमेज हैं, छोटी सी है एक जो यहाँ पर टूथ दांतों के जैसे जो आपको दिख रहा है और पूरा ये जो इमेज क्या है फोर्सेप्स है। तो यहाँ पर टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स यूज्ड टू हैंडल टिश्यू एंड डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो यूज टू मैनिपुलेट नीडल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वाइल ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर जो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है, इसके जो टूथ शेप यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत सारे टिश्यू को हैंडल करने के साथ साथ जो सर्जरी के टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करना है, हैंडल करना है या फिर पकड़ना है, उनके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा इस तरीके से। देखिए यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग द टिश्यू मसल और स्किन सराउंडिंग अ वुंड। सिंगल टूथ एंड और वन साइड फिट्स बिटवीन टू टीथ ऑन द अनदर साइड। तो यहाँ पर इसके जो दांत हैं, जो टूथ है यहाँ पर, जो यहाँ पर टूथ शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक जो लोअर साइड होगा उसमें वन होगा, अपर साइड में टू। तो जो आप जितनी भी गर्ल्स क्लेचर यूज करती हैं बालों में लगाने के लिए उसी टाइप से होगा, पकड़ने का काम करेगा। तो ये जो ग्रास्पिंग और होल्डिंग टिश्यू को पकड़ने का काम करेगा, कुछ सर्जरीज में इंस्ट्रूमेंट होल्ड करने का काम भी ये करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पिनाइड फीटल स्टेटोस्कोप। ये सबको पता है कि बेबी की हार्ट बीट सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो क्या है यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील है, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन जो पिनाइड फीटल स्टेटोस्कोप है बेबी की हार्ट रेट सुनने के लिए यूज़ किया जाएगा। या तो ये वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो कि हॉलो हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर एम्पलीफाइंग साउंड की तरह काम करेगा, जो ईयर ट्रम्पेट है जो कि एम्पलीफाइंग साउंड उस तरीके से भी काम करेगा। प्रेग्नेंट वूमेन के एब्डोमन पर इसको रखने से है जो आफ्टर 12 वीक के बाद और 20 वीक मेनली 12 वीक के बाद है जो फीटल हार्ट रेट है वो आपको इसके इससे सुनाई दी जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बोनी मायोमैक्टोमी क्लैम। इमेज देखिए आप, क्या है इसका नाम, बोनी मायोमैक्टोमी क्लैम, जो कि क्या है, सर्जिकल क्लैम्प है। बहुत पहले विक्टर बोनी नाम के गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको डेवलप किया था, जो कि ब्लड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगी जब यूट्राइन फाइब्रॉइड्स रिमूव किए जाएंगे, मायोमैक्टोमी वेजाइनल मायोमैक्टोमी परफॉर्म की जाएगी, तब इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डोयोन मायोमा स्क्रू। ये देखिए आप यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर दो इमेज इसलिए दी हुई हैं कि एक पूरा इंस्ट्रूमेंट ये रहा, जो आगे की साइड इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सेपरेट दिया हुआ है, जो हैंडल है उसके आगे का जो स्ट्रक्चर है कॉइल्ड स्प्रिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सेपरेट बताया हुआ है। डोयोन मायोमा जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो फाइब्रॉइड एक्सट्रैक्ट होगा, एंडोमेट्रियम जो प्रोसीजर होंगे उस टाइम पर। तो मायोमेक्टोमी और फाइब्रॉइड एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कि कैसा होगा, आगे का पार्ट इसका कॉयल सेप रहेगा, जो पीछे का पार्ट कैसा होगा इसके हैंडल कहलाएगा। तो इसका नाम क्या है, डोयोन मायोमा स्क्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो अभी दो तरीके के होते हैं एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। एक आता है टूथ फोर्सेप्स, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, यहाँ पर जो टूथ फोर्सेप्स पढ़े, तो एक में इस तरीके से टूथ रहेंगे और दूसरा विदाउट टूथ के रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, यदि टूथ एड्स एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का है तो प्लास्टिक सर्जरी में मेनली यूज़ किया जाएगा, जो टूथ होते हैं इसके,
और दूसरा होता है नॉन टूथ, तो जो भी डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू होंगे, स्किन होंगी, उसको होल्ड करने के लिए नॉन टूथ एंड फोर्सेप्स यूज़ किया जाएगा, एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का। नेक्स्ट है IUCD रिमूविंग हुक, यहाँ पर इमेज दिख रही है आपको, तो क्या है IUCD रिमूविंग हुक, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को रिमूव करने वाला हुक है, जो कि कहाँ इंसर्ट किया, सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट किया जाएगा, और जो स्ट्रिंग होगी इसकी, जो हुक की स्ट्रिंग है यहाँ पर क्या करेगी, वजाइना से जो भी ग्रास्पिंग फोर्सेप्स है उसके थ्रू इसको अंदर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो IUD हुक है, ये मेनली जब इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस इंसर्ट की जाती है, कॉपर T380 या फिर कोई सी भी IUCD इंसर्ट की जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हुक है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप्स, चिटल फोर्सेप्स का यूज़ क्या है, तो जितने भी स्टलाइजर जितने भी स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए, होल्ड करने के लिए बॉयलर और फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में आप डायरेक्ट अपने हाथ डाल के कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको उठाने के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, चिटल स्टलाइजर फोर्सेप्स या फिर चिटल फोर्सेप्स। तो यहाँ पर कहा है टू रिमूव स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर एंड फॉर्मेलिन कैबिनेट, जितने भी फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में या फिर स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट हैं उनको होल्ड करने के लिए, निकालने के लिए बॉयलर से क्या यूज़ किया जाएगा, चिटल फोर्सेप्स। और जनरली जब इसको क्या किया जाता है, दे आर यूज टू इंश्योर दैट एज ईच आइटम इज़ रिमूव्ड, तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि जितने भी आइटम वहाँ से निकाले जा रहे हैं बॉयलर या फॉर्मेलिन कैबिनेट्स में से, वो सभी क्या हो, प्रॉपर स्टरलाइज हो। फिर आता है कि यहाँ पर द फोर्सेप्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ मेथिलेटेड स्प्रिट व्हेन नॉट इज यूज्ड, तो यहाँ पर ये हो गया कि जितने भी बॉयलर में आइटम है उनको हमने रिमूव कर निकालने के काम के लिए क्या किया, चिटल फोर्सेप्स यूज़ किया, लेकिन जब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको डायरेक्ट ट्रे में नहीं डाल देना है, बल्कि इसको हमें और ज़्यादा स्टरलाइज रखना है, तो मेथिलेटेड स्प्रिट में इसको रखा जाएगा जब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको चिटल फोर्सेप्स को। नेक्स्ट है यहाँ पर सिरोडकर सर्कलेज निडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सर्कलेज निडल है, जो भी सर्वाइकल सर्कलेज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए सर्कलेज निडल है जो यूज़ की जाएगी। तो पुटिंग स्टिच अराउंड द सर्विक्स, तो सर्विक्स में सर्कलेज का मतलब क्या है कि जो सर्वाइकल ओस है वो क्या होती है, जनरली क्लोज होगी, लेकिन जो सर्कलेज की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल सर्कलेज होगी, ओपन रहेगी, बेबी का जो बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर जो स्टिचिंग की जाएगी वो किससे की जाएगी, सिरोडकर सर्कलेज निडल से, किससे, सिरोडकर सर्कलेज निडल से। तो यहाँ पर जो अलग अलग मेथड यूज़ की जाती हैं, तो इस तरीके से देखे रही सर्विक्स, यदि यहाँ पर सर्कलेज है इसको हमें क्लोज करके रखना है, तो इसके लिए सूचरिंग की जाएगी वो किससे की जाएगी, सिरोडकर सर्कलेज निडल से। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, रहा है यहाँ पर, तो जितने भी हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स होते हैं उनके लिए ही क्या कहा जाता है, आर्टरी फोर्सेप्स। तो यहाँ पर इसका जो मेन यूज़ है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, टिश्यू रिट्रैक्शन के लिए और स्किन रिट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी टिश्यू और स्किन है उनको होल्ड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा, जितने भी आर्टरी फोर्सेप्स होते हैं, तो उनमें से लॉन्ग स्ट्रेट भी होते हैं, शॉर्ट कर्व स्ट्रेट भी होंगे, ब्लेड स्ट्रेट भी होंगे, बट यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स से ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, हीमेटोस्टेटिक फोर्सेप्स भी इसको कहा जाएगा, और जो भी स्किन और टिश्यू इनको होल्ड करने के लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रूबिन्स कैन्यूला, क्या है रूबिन्स कैन्यूला, आपने अब पढ़ा होगा रूबिन्स टेस्ट, इनफर्टिलिटी को, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट किया जाता है रूबिन्स टेस्ट। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जो इमेज दिख रही है क्या है, रूबिन्स कैन्यूला, जो कि किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस की जाएगी यूट्रस में एंड फेलोपियन ट्यूब में, तो ये किसके थ्रू की जाएगी, रूबिन्स कैन्यूला के थ्रू। रूबिन्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए कि क्या रीज़न है। अब यहाँ पर जो रूबिन्स कैन्यूला है किस तरीके से काम करेगा, इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द यूट्रस एंड थ्रू द वजाइना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो CO2 है वो रूबिन्स कैन्यूला के थ्रू यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में क्या की जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो गैस होगी एब्डोमिनल कैविटी से होते हुई
इफ द ट्यूब्स आर नॉट ऑक्लेटेड, यदि ट्यूब में किसी भी तरीके का ऑक्लूजन ब्लॉक नहीं है तो टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा और ये क्या करेगा, शोल्डर पेन आपको क्रिएट करेगा। यदि पॉजिटिव आता है टेस्ट, ये क्या करेगा, शोल्डर पेन क्रिएट करेगा। तो अब रूबिन्स टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए। और जो यहाँ पर रूबिन्स कैन्यूला है, इससे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में कार्बन डाइऑक्साइड भेजी जाएगी रूबिन्स और फीमेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर HSG कैन्यूला, यहाँ पर ये देखिए तो ये क्या है, HSG कैन्यूला। तो जो HSG कैन्यूला है, यदि फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज है तो उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या यूज़ किया गया, रूबिन्स कैन्यूला। HSG कैन्यूला का मतलब है यहाँ पर हाउ हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राम वर्क। HSG का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, हाउ हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राम वर्क, HSG वर्क। तो यहाँ पर HSG टेस्ट इज डन टू नो द ब्लॉकेज ऑन द फेलोपियन ट्यूब। तो यदि फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कैन्यूला है जो यूज़ किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, HSG कैन्यूला। और यहाँ पर विथ लॉक के यहाँ पर दिखाया गया है, दो इमेज हैं तो यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाया गया है, जिसके थ्रू तो डाई भी इंजेक्ट की गई है। एक जो यहाँ पर सिरिंज दिख रही है, ये भी आपको आगे बताएंगे। और जो यहाँ पर वाइट कलर से सेक्शन दिख रहा है, क्या है, HSG कैन्यूला का यहाँ पर हुक है, जिसके थ्रू डाई है जो भेजी जा रही है, किस क्या पता करने के लिए, फैलोपियन ट्यूब में यूट्राइन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्व्ड फोर्सेप्स आर्टरी, क्या है, कर्व्ड फोर्सेप्स आर्टरी। तो कर्व यहाँ पर ये देखिए, छोटा सा एक घुमावदार आपको हुक जैसे दिख रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्व। तो क्या है, कर्व फोर्सेप्स आर्टरी है, जो कि सिंगल यूज्ड कर्व स्पेंचर वेल आर्टरी फोर्सेप, जो कि आर्टरी को क्लैंप करने के लिए, सॉरी कंप्रेस करने के लिए यूज़ की जाएगी, क्लैंप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी आर्टरीज को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, क्या, कर्व आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, मेज देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, तो क्या स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, जो भी डॉक्टर्स होंगे, सर्जन होंगे, तो जो यहाँ पर स्पंज और गॉज को होल्ड करेंगे, तो इसके किसके थ्रू करेंगे, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो जॉ से फोर्सेप्स यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो भी डॉक्टर गॉज मटेरियल होल्ड करेंगे इसके थ्रू, स्पंज मटेरियल होल्ड करेंगे, तो जो ब्लीडिंग अमाउंट है या फिर जो ब्लीडिंग है कुछ भी है, तो वो क्या होगी, अदर ऑर्गन्स के ऊपर है जो नहीं गिरेगी, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन इज वेरेस निडल, वेरेस निडल यहाँ पर दिखाई गई है, तो जनरली किसके लिए यूज़ होती है, न्यूमोपेरिटोनियम सर्जरी के लिए, एब्डोमिनल एंडोस्कोपी के पहले जो न्यूमोपेरिटोनियम है जो प्रोसीजर होगा उसके लिए सिंगल पेशेंट में यूज़ की जाने वाली ये निडल है, वेरेस निडल, जो कि स्टेनलेस स्टील की होगी, स्प्रिंग लोडेड स्टाइलेट होगा, जो कि रिट्रैक्ट होगा जब आप इसको एब्डोमिन में इंसर्ट करेंगे तब। नेक्स्ट यहाँ पर कार्मन्स कैन्यूला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसके अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो कार्मन्स कैन्यूला यहाँ पर क्या है, सर्जिकल अबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए, जो भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उनके लिए, जो भी एंडोमेट्रियल बायोप्सी प्रोसीजर है उनके लिए कार्मन्स फार्मूला, सॉरी कार्मन्स इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, कार्मन्स कैन्यूला है, जिसको हम इंसर्ट करके जो भी अवसन हुए हैं बट जो मटेरियल है वो स्टिल कहाँ पर है, यूट्रस में, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है कार्मन सिरिंज, तो यहाँ पर ये क्या है, कार्मन्स कैन्यूला। अब कैन्यूला के लिए तो काम नहीं करेंगे, अब सिरिंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके लिए क्या कहा गया, कार्मन सिरिंज, जो कि स्टेराइल ट्यूबुलर सेमी रिजिड शेप में होंगी, यहाँ पर लाइनिंग होगी, तो जिनके जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होंगे, जो टिशू रिट्रैक्ट बच गए हैं अबॉर्शन के बाद, जो टिशूज बच गए हैं उनको रिमूव करने के लिए, नॉन वायबल फीटस है, नॉन वायबल एम्ब्रियो, स्टिल बर्थ के बाद जो भी कंसेप्सिस मटेरियल बचा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए सिरिंज यूज़ की जाएगी, कार्मन सिरिंज। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉचर आर्टरी फोर्सेप्स, यहाँ पर आप ब्लेड ध्यान से देखिए, इसकी क्या नाम है, इसका कॉचर आर्टरी फोर्सेप्स, जो कि आर्टरीज को क्लैंप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो भी
यहाँ पर कहा टू क्लैम्प आर्टरीज टू ब्लॉक ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने के लिए आर्टरीज को क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, कोचर आर्टरी फोर्सेप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड की बेटर ग्रिपिंग के क्लैम्प, सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने में भी यूज़ किया जाता है, जो भी ऑक्लूटेड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्लैम्प करने में, और इसका क्या होगा, इफेक्टिव क्रशिंग इफेक्ट होगा। इफेक्टिव का मतलब होगा कि इससे जो जहाँ पर भी आर्टरी को हमने क्लैम्प किया वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इनकेस लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है या फिर सर्जिकल इंडक्शन हुआ है लेबर का, ऑगुमेंटेशन लेबर है, तो उस ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए यूज़ किया जाएगा क्या, कोचर आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन इज लेंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर। आई होप आपको सभी इमेज याद हो जाएंगी और इनके जो मेन यूज़ हैं वो याद हो जाएंगे। ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिटेल में हम कह सकते हैं जो आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम से है वो चीज़ें बस बताई हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर फिर लेंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, तो यहाँ पर हैंडल है, एक सिंगल एंड है जो कि राइट एंगल रिट्रैक्टर है, जो कि मल्टीपल लेयर ऑफ डीप टिश्यू है उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि अपेंडेक्टॉमी, सिजेरियन सेक्शन और लेप्रोटॉमी, तो इनमें जो भी मल्टीपल लेयर हैं डीप टिश्यू हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इमेज है लेंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, मेनली याद रखना है जितने भी डीप टिश्यू हैं मल्टीपल लेयर हैं डीप टिश्यू की उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अलायस टिशू फोर्सेप्स। अब इसकी भी ब्लेड देखिए, तो जितने भी स्लिपरी टिशू होंगे, कैसे डेंस और स्लिपरी टिशू होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि टॉन्सिल, वेजाइनल, ब्रेस्ट और थायरॉयड टिशूज की यदि कोई भी सर्जरी होती है तो उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया, जितने भी स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब है बहुत सारे टिश्यूज कैसे होते स्लिपरी टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर डेंस टाइप के होते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए अलायस टिशू फोर्सेप्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अरेस स्पैटुला। तो ये तो आपके माइंड में सेट है इमेज, क्योंकि सबको पता है कि पैप स्मियर कलेक्ट करने के लिए सर्विक्स से यूज़ की जाती है, जनरली वुडन की यूज़ की जाती है, सिंगल पर्सन यूज रहती हैं, तो यहाँ पर टू यूज्ड टू कलेक्ट द पैप स्मियर। पैप स्मियर क्यों कलेक्ट किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो क्या कहलाता है, अरे स्पैटुला। फिर आता है यूट्राइन पॉलिप्स फोर्सेप्स, यहाँ पर इसकी ब्लेड देखिए, तो यहाँ पर जो ब्लेड है क्या है, लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप दैट इज यूज्ड टू ग्रास्प द यूट्रस ड्यूरिंग द यूट्राइन बर्थिंग एंड अदर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक सर्जरी। तो यहाँ पर जनरली जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं गायनेकोलॉजी में, तो यूट्रस को प्रॉपर तरीके से होल्ड करने के लिए जो यूट्राइन बर्थिंग प्रोसीजर है, ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर की सर्जरी होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है वल्सेलम, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो वल्सेलम का यूज़ किया जाता है जो भी डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज ऑपरेशन होते हैं, वेजाइनल ऑपरेशन होंगे, जो ग्रास्प प्रोलैप्स सम्यूकस होगी वेजाइनल मायोक्टोमी में उसको होल्ड करने के लिए, यूट्रस मोबिलिटी को डायग्नोस करने आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पर सर्वाइकल लिप्स टू विजुअलाइज द सर्विक्स ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी। जो वल्सेलम फोर्सेप्स जनरली सर्वाइकल लिप्स को होल्ड करने के लिए जो वेजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी उसमें इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर एक कर्व है इसको क्या नाम दिया गया है, पेल्विक कर्व, फाइब्रॉइड पॉलिप्स को होल्ड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, वल्सेलम। नेक्स्ट है यहाँ पर हैनी क्लैम्प, हैनी क्लैम्प का दूसरा नाम क्या है, हैनी हिस्टेरेक्टॉमी फोर्सेप्स। तो इसकी जो एक ब्लेड होती है वो कैसी होती है, टफ होगी, और जो दूसरे साइड है वो कैसी होगी, प्लेन टाइप से होगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों ब्लेड आप देख सकते हैं, हैनी क्लैम्प और हैनी हिस्टेरेक्टॉमी फोर्सेप्स, जो कि हिस्टेरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, यूट्रस को सर्जरी करके रिमूव करना। तो यहाँ पर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द हिस्टेरेक्टॉमी प्रोसीजर टू क्लैम्प ऑफ अ टफ लिगामेंट, जितने भी टफ लिगामेंट है, मेजर लिगामेंट है, उनको क्लैम्प करने के लिए दोनों साइड से यूट्रस के इसको यूज़ किया जाता है, हैनी हिस्टेरेक्टॉमी फोर्सेप्स। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ कही गई है, द फोर्सेप्स फीचर रिंग हैंडल, रिंग हैंडल रहेंगे लेकिन इसमें लॉक मैकेनिज्म होगा कि जो ब्लेड है यहाँ पर एक ब्लेड दूसरे में प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगी।
नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लेट स्केल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स। तो ये जनरली प्लेसेंटा प्रीबिया में यूज़ किया जाता है प्लेसेंटा को अंदर की तरफ वापस भेजने के लिए। तो जो नोवो सर्जिकल ब्लेड प्लेसेंटा प्रीविया फोर्सेप्स है प्लेसेंटा प्रीविया में ही ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम से ही पता चलेगा ब्लेड स्केल्प, स्केल्प का मतलब होगा हेड, ट्रैक्शन फोर्सेप्स, तो प्लेसेंटा प्रीविया में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेनियोक्लास्ट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज़ जनरली क्रेनियोक्लास्ट का यूज़ क्रेनियम से आप समझ सकते हो हेड स्कल। तो यहाँ पर जो फीटल स्कल है उसको क्रश करने के लिए, जो स्टिल बर्थ बेबीज होते हैं एब्स्ट्रैक्टेड लेवर होंगे, तो ऐसे केस में फीटल स्कल को क्या करने के लिए, क्रश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और देन आफ्टर जो भी मटेरियल होगा, कॉन्सेप्शियस मटेरियल होगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। पहले जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, क्रेनियोक्लास्ट। तो यहाँ पर आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चन और सभी पॉइंट्स और इमेज आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर एक बार और हम 5 मिनट में पूरी इमेज देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी इमेज इजीली याद हो जाए, क्योंकि आपको सभी इमेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ निडल होल्डर, जो कि वुंड क्लोजर में निडल होल्ड करने के लिए बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं नरी एनास्टोमोसिस के लिए यूज़ की जाएगी। दूसरा है प्लांट डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, जो कि ऑब्जेक्ट, जो एक ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें वेसल्स हो सकती हैं, पेरिटोनियम हो सकता है, नर्व और मसल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, तो वेजाइना को रिट्रैक्ट करने के लिए और सर्विक्स और वेजाइना के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है कस्को वेजाइनल स्पेकुलम, तो इसको है जो बंद तरीके से, इस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा, आफ्टर दैट इसको हैंडल के थ्रू ओपन किया जाएगा वेजाइना में, जिससे हम वेजाइना और सर्विक्स को विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि जनरली IUCD डिवाइस इंसर्ट करने के लिए पैप स्मियर, वेजाइनल एरोसिन के कॉटराइजेशन और कॉल्पोस्कोपिया एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पर डास लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स, जो कि मेटल इंस्ट्रूमेंट है, फीटल हेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एपिजियोटॉमी सीजर, तो जो पेरिनियोटॉमी सीजर और एपिजियोटॉमी सीजर, जो कट लगाया जाएगा वो इस सीजर्स के थ्रू लगाया जाएगा, नहीं इसकी ब्लेड, जो मेनली आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, तो जो निडल होल्ड करना है हमें कुछ सर्जरीज में, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें इस तरीके से दांत होंगे, वो एक टूथ है दूसरे को प्रॉपर तरीके से लॉक करेगा। नेक्स्ट है पिनाइड फीटल स्टेटोस्कोप, तो फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए यूज़ किया जाएगा, मेटल के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉलो हॉर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिससे फीटल हार्ट रेट हम इसको एब्डोमेन पर रखकर सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बोनी मायोमेक्टोमी क्लैंप, क्या है, बोनी मायोमेक्टोमी क्लैंप है, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डायोन मायोमा स्क्रू, ये एग्जाम में आता है, तो ये भी मायोमेक्टोमी प्रोसीजर के टाइम पर फाइब्रॉइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टूथ, तो दूसरा होता है नॉन टूथ। तो जो टूथ एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स होगा, प्लास्टिक सर्जरीज में यूज़ होगा। नॉन टूथ, जिसमें टूथ नहीं होंगे, वो डेलिकेट सुपरफिशियल टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IUCD रिमूविंग हुक, तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, चाहे COPERT-380 हो या फिर COPERT-200 हो, तो इसको रिमूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, IUD रिमूविंग हुक। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप्स, तो चिटल फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट बॉयलर या फिर फॉर्मिल कैबिनेट में हो, तो उसमें हम डायरेक्ट हाथ डाल के नहीं निकाल सकते उन इंस्ट्रूमेंट को, उनको होल्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हम वो क्या कहलाएगा, चिटल फोर्सेप्स। और जब हम चिटल फोर्सेप्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हमें इसको डायरेक्ट ट्रे में नहीं रखना है, बल्कि इसको मिथाइलेटेड स्प्रिट के कंटेनर में रखना है। नेक्स्ट वन इज सिरोडकर सर्कलेज निडल, जो कि सर्वाइकल सर्कलेज को सूचिंग करने के लिए यूज़ की जाएगी, क्या है, सिरोडकर सर्कलेज निडल। नेक्स्ट लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, तो ये हेमेटोस्टेटिक फोर्सेप्स है, जिसका यूज जनरली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने कैन्यूला, तो रूबिन्स कैन्यूला फीमेल इन्फर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए जो रूबिन्स टेस्ट होता है उसमें किया जाता है। तो इसके थ्रू CO2 है जो इंसर्ट की जाएगी यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में। फिर आता है HSG कैन्यूला, हाउ स्ट्रोसाल्पिंगोग्राम HSG वर्क, तो यहाँ पर
फेलोपियन ट्यूब में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसके लिए जो कैन्यूला इंसर्ट किया जाएगा उसको क्या कहा गया, HSG कैन्यूला। एक डाई है जो भेजी जाएगी। यदि स्प्लेस देखने को मिलता है, दैट मीन्स ट्यूब्स क्या हैं, ओपन है, और स्प्लेस देखने को नहीं मिलेगा इन डाइज भेजेंगे, दैट मीन्स ट्यूब क्या है, ब्लॉक है। नेक्स्ट यहाँ पर कर्व फोर्सेप्स आर्टरी, तो यहाँ पर कर्व दिख रहा है जो कि ब्लड वेसल्स और आर्टरी को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, कंप्रेस करने के लिए, क्लैंप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, तो नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पंज गॉज को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर वेरेस निडल, तो ये एब्डोमिनल एंडोस्कोपी में न्यूमोपेरिटोनियम सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, क्या, वेरेस निडल। नेक्स्ट वन इज कर्मन्स कैनुला, तो कर्मन्स कैनुला यूज़ किए जाते हैं सर्जिकल अबॉर्शन के लिए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए और एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। तो जो कर्मन्स कैनुला हैं इनको हम अकेला यूज़ नहीं करेंगे, कर्मन सिरिंज यूज़ की जाएगी जिसके थ्रू जो भी कंसेप्शियस मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाएगा, रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट कॉचर्स आर्टरी फोर्सेप्स, तो यहाँ पर इसकी ब्लेड देखिए, इसका यूज़ किया जाता है ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, आर्टरीज को क्लैंप करने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए, और इसका यूज़ क्या किया जाएगा, जो रप्चर मेम्ब्रेन है सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के थ्रू हुई है, तो उसकी ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लेंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर, लेंग्स एंड बैक राइट एंगल रिट्रैक्टर है जो अपेंडेक्टोमी, जो भी डीप टिशू होंगे, जितने भी डीप टिशू होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एलाइज टिशू फोर्सेप्स, तो ये जितने भी ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट जो भी टिशू होंगे उनको लिफ्ट करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, मेनली जो स्लिपरी टिशू होंगे, कौन से स्लिपरी और डेंस टिशू होंगे उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अरेस स्पैटुला, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, पैप स्मियर को कलेक्ट करने के लिए। यूट्राइन पॉलिप्स फोर्सेप्स, तो जितने भी यूट्राइन पॉलिप्स रहेंगे, फाइब्रॉइड होंगे, उनको रिमूव करने के लिए ये है जो यूज़ किया जाएगा, चाहे वो यूट्राइन बर्थिंग प्रोसीजर हो रहे हो या फिर कोई अदर गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो रही हो। नेक्स्ट वन इज़ वल्सेलम, तो वल्सेलम का यूज़ किया जाएगा डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज के लिए, तो जितने भी वजनल मायोमेक्टोमी होंगी तो उस टाइम पर इसको यूज़ किया जाएगा, यूट्रस की मोबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ हैनी क्लैम्प, तो हैनी क्लैम्प को हैनी हिस्टरेक्टोमी फोर्सेप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिस्टरेक्टोमी के टाइम पर यूट्रस के दोनों साइड जो भी टफ लिगामेंट होंगे, हार्ड लिगामेंट होंगे, उनको होल्ड करने के लिए हैनी क्लैम्प और हैनी हिस्टरेक्टोमी फोर्सेप्स है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेड स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स, तो ट्रैक्शन का मतलब कुछ प्रेशर लगाना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगी जी, तो यहाँ पर जो ब्लेड स्कैल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स है प्लेसेंटा प्रीविया में यूज़ किया जाएगा, यदि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है तो यहाँ पर जो ट्रैक्शन टाइप से लगाया जाएगा वो कहाँ पर, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए लगाया जाएगा। नेक्स्ट है क्रैनियोक्लास्ट, क्रैनियोक्लास्ट का मतलब होगा कि जो भी स्टिल बर्थ बेबीज हैं उनका स्कल को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतने ही इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो रिमेनिंग फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में आपको हाइट दे दी जाए एग्जाम में, आपको हो सकता है वेट बता दिया जाए, हाइट सेंटीमीटर में बताई जाए, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन यहाँ पर उसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट सेंटीमीटर को ही स्क्वायर लगा के हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब बात आती है क्लास की, क्योंकि BMI के अकॉर्डिंग है जो वेट, अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओबेसिटी को डिवाइड किया गया है। जनरली एग्जाम में ओबेसिटी आती है या फिर अंडर वेट आता है, नॉर्मल वेट की BMI रेयर केस में पूछी जाती है, बट आपको पता होना चाहिए BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि वेट किलोग्राम में होना चाहिए, जिसको डिवाइड करते हैं हाइट का किस में हो, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर यदि वैल्यू पूछी जाती है आपसे, जब BMI लेस देन 18.5 हो, बिलो 18.5 हो, तब उस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, वेट कैसा है, अंडर वेट है। यदि BMI 18.5 से 24.9 है, 18.5 to 24.9 है, दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल वेट है।
जब यदि यही 25 मोर देन 25 या फिर 24.9 की रेंज क्रॉस करेगा तो 25 आएगा। 25 से लेके 30 तक की कैटेगरी है वो किस में आती है, ओवरवेट में। फिर ओवरवेट की तीन क्लास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ओवरवेट में ओबेसिटी यदि क्लास फर्स्ट पूछते हैं आपसे तो बीएमआई होगी 30.02 34.9, फिर 35.02 39.9 सेकेंड क्लास में आएगा, थर्ड क्लास में और क्या होगा अबव 40 जो कि क्या है ओबेसिटी क्लास थर्ड। तो यहाँ पर बीएमआई आपको इसकी तीन चीज़ें मेनली याद रखना है, नॉर्मल वेट में कितना होगा, अंडर वेट जब नॉर्मल है उससे और कम जाता है तो अंडर वेट में चला जाएगा वो, और जब नॉर्मल से ज़्यादा जाएगा तो ओबीज और ओवर वेट में। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी इज। तो 3 महीने का बच्चा है, जनरली जो बीसीजी है, ओपीवी है, हेपेटाइटिस बी है, तीनों एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं, बट किसी रीजन से यदि ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी गई हैं तो क्वेश्चन है कि यदि बच्चे की एज 3 महीने 3 month ओल्ड बेबी है तो बीसीजी का डोज कितना और किस रूट से दिया जाएगा। ऑप्शन में है इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml या फिर सबक्यूटेनियस 0.5 ml। अब बात आती है यहाँ पर यदि इस तरीके के ऑप्शन होंगे तो आप आंख बंद करके मार कर देंगे, क्योंकि सबको पता है बीसीजी का रूट क्या है, इंट्राडर्मल। और यहाँ पर जब एज की बात की जा रही है तो एज 3 महीने है तो 3 महीने में कितना देंगे हम, 0.1 ml। यदि यही कहा जाता कि बीसीजी एट द टाइम ऑफ बर्थ डोज है वो और 1 month तक यदि बेबी की एज है तो कितना देंगे हम, 0.05 ml, लेकिन आफ्टर 1 month टू 1 year तक जो बीसीजी का डोज होगा वो कितना होता है, 0.1 ml। अब यदि इसका डायलेंट एग्ज़ाम में आपको आता है बीसीजी का तो वो क्या है, वो है नॉर्मल सलाइन। एग्ज़ाम में आता है बीसीजी का डायल्यूट क्या है, नॉर्मल सलाइन, जिसमें हम इसको डायल्यूट करेंगे। और बीसीजी का यदि फुल फॉर्म पूछते हैं तो क्या है, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। यदि 1 महीने के बच्चे तक के लिए पूछते हैं तो सेम डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 month तक के बच्चे में 0.05 ml। यदि बच्चे की एज 1 महीने से लेके 1 साल तक हो जाती है तब कितना होगा, 0.1 ml। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो याद रखनी है कि आफ्टर 1 month टू 1 year तक जो डोज होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.1 ml। बीसीजी हम क्यों देते हैं, ट्यूबर क्लॉसिस से प्रिवेंट करने के लिए। और यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ वैक्सीन पूछते हैं तो क्या क्या है, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और विटामिन के का इंजेक्शन, प्रिवेंशन फॉर हेमरेज। यहाँ पर इम्यूनाइजेशन चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। तो बीसीजी यदि आपको एग्जाम में आती है तो ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 year तक ही दी जाती है। यदि आपके क्लिनिक पे कोई बच्चा आता है एज 1 साल से ज़्यादा है, उसको प्रीवियस बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी है, तब यदि 1 साल से ज़्यादा एज है तो आप उसको बीसीजी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अपर लेफ्ट आर्म में है एडमिनिस्टर की जाती है। हेपेटाइटिस बी और ओपीवी ये तीनों क्या हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज पूछते हैं तो बर्थ विद इन 24 आवर, डिलीवरी होने से लेके 24 आवर तक इसको दिया जा सकता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई जो कि लेफ्ट साइड में दिया जाएगा। पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट पर 5 वैक्सीन इंक्लूड होंगी। डीपीटी, तो डिप्थीरिया, पर्टिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। अब यदि पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज होता है, 3 डोज होते हैं इसके, तो 6 week, 10 week, 14 week एवरी 4 week के गैप से दी जाती है। यदि आपको बेसिकली आपके क्लिनिक में कोई आता है वैक्सीनेशन के लिए तो आपको भी ये पता होना चाहिए। तो पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूड है, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती हैं, 0.5 ml डोज होता है, और जो 6, 10, 14 weeks के एज ग्रुप में दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रैक्शनल IPV और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो ये 6 and 14 weeks में दिया जाता है, 1 साल की एज तक ही इसको हम दे सकते हैं, मैक्सिमम एज पूछें तो 0.1 ml इंट्राडर्मल। रोटा वायरस ओरल दी जाती है, जब पेंटावेलेंट दी जाती है तो उसी के साथ में रोटा वायरस भी दी जाती है, 6, 10 और 14 weeks की एज में ओरल दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती हैं। याद रखना है यदि ओरल पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप पूछें तो 2 बूंद जिंदगी की, हिंदी में आपको ये याद जरूर होगा, 2 बूंद जिंदगी की 2 ड्रॉप्स
यदि रोटा वायरस पूछे तो रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है 6, 10 और 14 वीक्स में, 1 साल तक की एज ग्रुप में ही ये दे सकते हैं। 5 बूंद इसकी ओरली दी जाती हैं। फिर आता है मीजल्स, तो मीजल्स का फर्स्ट डोज दिया जाता है जब पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाएं। कब? एट द 9 मंथ कंप्लीटेड एंड 12 मंथ। 5 साल तक की एज तक हम इसको दे सकते हैं। 0.5 ml दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। याद रखना है आपको, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस और मीजल्स ये दोनों सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। जब मीजल्स दिया जाता है उसी के साथ में विटामिन ए का फर्स्ट डोज है जो दिया जाता है बच्चों को, 5 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आई होप आपको पूरा ये जो इम्यूनाइजेशन चार्ट है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ 0 to 7 days बेबी। तो 0 to 7 days के बेबी किस एज ग्रुप में आएंगे? तो ये आएंगे जनरली न्यूबॉर्न बेबी में। तो यदि 0 to 7 days और न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्लैडर कैपेसिटी पूछें कि जो यूरिनरी ब्लैडर है कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है, ब्लैडर का मेन काम यही होता है यूरिन को स्टोर करना, तो कितना है जो इसकी स्टोरेज क्षमता होगी यूरिनरी ब्लैडर की 7 दिन तक के बच्चे में, सॉरी 7 दिन तक के न्यूबॉर्न बेबी में? ऑप्शन में 20 ml, 30 ml, 10 ml या फिर 50 ml। तो 0 to 7 days तक के बेबी की यदि बात की जाती है तो जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होगी कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर 30 ml। कितनी? 30 ml, 1 ml पर kg पर आवर जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है वो कितना होगा, 1 ml पर kg पर आवर। और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी जब कंसीडर किए जाते हैं 0 to 7 days तक में, तो उनका जो ब्लैडर कैपेसिटी होगी यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होगी, 30 ml। यदि एडल्ट की पूछते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, याद रखना है आपको आफ्टर 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर तक, 65 साल तक, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते 65 तक, तब तक एडल्ट पीरियड में रहेंगे, तो उस टाइम पर ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, 600 से 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज, तो न्यूबॉर्न की जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक CHO के एग्जाम में आया है इसी साल। तो नॉर्मल कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी वो कितनी होती है, 150 ml। नेक्स्ट वन इज, व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन। अब बच्चे का जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है बेस्ड ऑन, यहाँ पर यदि आपसे वेट की बात करें क्योंकि क्वेश्चन वेट के अकॉर्डिंग यदि हम डोज कैलकुलेशन पूछते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर क्लार्क फार्मूला, कॉक्स फार्मूला, रूल ऑफ 9 या फिर रैंक्स फार्मूला। अब आपके पास दो ऐसे ऑप्शन है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो है क्लार्क और यंग, दोनों चाइल्ड का ड्रग डोज कैलकुलेट करने में यूज किए जाते हैं, बच्चे में जो मेडिसिन दी जानी है उनका डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है बेस्ड ऑन वेट, वजन के हिसाब से जो वेट है बच्चे का उसके हिसाब से क्या है जो फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉप्स फार्मूला है जो कि ब्लैडर कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बच्चों में यूज किया जाता है, चिल्ड्रंस में जिनकी एज 1 ईयर से ज़्यादा हो उनमें। रूल ऑफ 9 बर्न के जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके लिए यूज किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बचते हैं दो ऑप्शन, तो जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है चाइल्ड का जो ड्रग है डोज कैलकुलेट करने के लिए वो एक क्लार्क फार्मूला, और एक इस बेस पर काम करता है वेट पर। बच्चों में मेडिसिन है जो जनरली वेट के हिसाब से है जो दी जाती हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे का डोज है फ्राइट्स रूल जनरली इन्फेंट जिनकी एज 1 ईयर से कम हो उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन जिनकी एज ईयर्स में हो साल में हो तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करते हैं, यंग रूल और क्लार्क रूल। लेकिन क्लार्क रूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि किसी किसी बच्चे की एज क्या होगी, मान लीजिए किसी बच्चे की एज 8 साल है लेकिन उसका वेट क्या है, कम है, तो इसके हिसाब से उसको जो मेडिसिन देंगे वो भी उसी टाइप से एडजस्ट की जाएगी। तो वही है यहाँ पर कि क्लार्क रूल क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, और जो फ्राइट्स रूल इन्फेंट को का जो ड्रग डोज है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर एक और है ऑप्शन में कॉप्स फार्मूला, कॉप्स फार्मूला दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजर द ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की ब्लैडर कैपेसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैडर कैपेसिटी किस तरीके से नापेंगे हम,
एज इन ईयर्स प्लस टू, मान लीजिए आपके बच्चे की एज 8 साल है या फिर 10 साल है, उसमें आपको 2 जोड़ना है, तो 8 और 2 जितने होंगे वो इंटू 30। तो यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है, देन आफ्टर द कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ब्लैडर कैपेसिटी को नापने के लिए, क्षमता नापने के लिए, हो सकता है कॉप्स फॉर्मूला में आपको एज दे दें, कहें कि आप अब बच्चे की ब्लैडर कैपेसिटी कितनी क्षमता है यूरिन स्टोर करने के लिए, तो वो बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल्स इज। तो जनरली हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो जिसमें कहा है कि माइल्ड हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 8 है, जो लेवल कितना होगा, ऑप्शन में 5 to 50%, लेस देन 1%, 50 to 60%, या फिर 1 to 5%। यदि हीमोफीलिया की बात करें तो किन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण होता है, 8 और 9। तो यहाँ पर हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर 8 है, इसका लेवल कितना होगा जब माइल्ड हीमोफीलिया हुआ हो, तब लेवल होगा माइल्ड में कितना, 5 to 50%। अब इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं कि नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.50 to 1.5 IU। लेकिन यदि माइल्ड हीमोफीलिया आपसे कहा जाता है, कितना होगा, 5 से 40%। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपको क्या है, जो 5 to 40% दिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या आंसर होगा, ए 5 to 50%। क्योंकि जो नॉर्मल फैक्टर है यहाँ पर 50 से 150% होंगे, लेकिन यदि जब यही क्या होंगे, हीमोफीलिया ए में क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होगी, डेफिशियंसी होगी, तो कितना होगा, 5 to 40% यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, मॉडरेट में 1 to 5%। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर, तो लास्ट में है, क्या है, मॉडरेट हीमोफीलिया ए के लिए है, और इसमें कितना लेवल होगा फैक्टर 8 का, तो होगा 1 to 5%, जो कि कितना होना चाहिए, 0.01 to 0.05 IU। अब यहाँ पर सीवियर हीमोफीलिया आता है, तो सीवियर हीमोफीलिया में क्या होगा, लेस देन 1%। यदि सीवियर हीमोफीलिया पूछे तो लेस देन 1%। अब यहाँ पर नॉर्मल फैक्टर क्या है और जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है, वो आप इस टेबल को चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट वन इज, विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर की जाएगी, OPV, BCG, मीजल्स या फिर MMR। तो जो वैक्सीन क्या है, फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी, वो क्या है, OPV वैक्सीन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए OPV को क्या किया जाएगा, फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन और आपको आता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। तो रोटावायरस वैक्सीन का कितना डोज और किस रूट से है जो एडमिनिस्टर किया जाता है, ऑप्शन में यहाँ पर 2 drops oral, 5 drops oral, 10 drops oral या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अब भी बताया है कि जो रोटावायरस वैक्सीन है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, और इसके यदि डोज की बात की जाती है तो कितनी दी जाती है, 5 drops orally। 2 drops oral OPV दिया जाता है, बट 5 drops orally क्या दिया जाता है, रोटावायरस वैक्सीन। अब रोटावायरस वैक्सीन की दो तरीके की वैक्सीन आती है, एक तो होता है रोटाटैक, दूसरा रोटारिक्स। तो रोटाटैक और रोटारिक्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो रोटाटैक है जनरली 3 बार दी जाती हैं, इसके 3 डोज होते हैं, 2, 4 and 6 month में, बट जो रोटारिक्स होती हैं इसके 2 डोज होते हैं, 2nd and 4th month में दी जाएंगी, दोनों ओरली ही दी जाएंगी। यदि इनकी रूट पूछें तो ओरल है, बट इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो रोटाटैक है इसके 3 डोज होते हैं, रोटारिक्स के 2 होते हैं। रोटाटैक 5 human bovine रिएस्टोरेंट इनका कंपोजिशन है, लेकिन जो सिंगल ह्यूमन रोटावायरस किसका है, रोटारिक्स का। बोबिन रोटावायरस रोटाटैक का कंपोजिशन है, सॉरी जेनेटिक फ्रेमवर्क है, और ह्यूमन रोटावायरस किसका है, रोटारिक्स का। नेक्स्ट वन इज, आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। तो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि BCG वैक्सीन कितने साल के बाद हम नहीं दे सकते, बच्चे की एज कितनी हो जाए कि तब हम BCG उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन में है यहाँ पर 6 month, 1 year, 2 year या फिर 5 year। तो जस्ट मैंने आपको अब भी बताया है कि जो BCG वैक्सीन है 1 year की एज तक ही दी जाती है, आफ्टर द 1 year BCG हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन इज़,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस से कौन सी डिसीज होगी, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड टिटनेस, कोलेरा या फिर ट्यूबर क्लोसिस। तो यहाँ पर जो क्या है वायरल डिसीज का, वायरस डिसीज का कॉज है, तो पेयर पूछा है, जोड़ी पूछी है, वो यहाँ पर रेबीज और मम्स, क्या है रेबीज और मम्स दोनों वायरल है, बाकी एड्स एचआईवी वायरस से होगा, सिफिलिस ट्रिपनोमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा, टाइफॉइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी से होगा, टिटनेस किससे होगा, क्लोरिस्टिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से, कोलेरा होगा बिब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से, और टीबी होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो यहाँ पर सभी के पॉजिटिव एजेंट रहे, और जो पेयर है सही पेयर वो क्या है, रेबीज एंड मम्स। नेक्स्ट वन इज बी आई ए इज यूज टू, तो बी आई ए का यहाँ पर क्या यूज है, बी आई ए का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, क्या है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, इसका यूज किसके लिए होगा, डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो बी आई ए का जो फुल फॉर्म है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड है, और बी आई ए किसके लिए यूज होता है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, जो कि एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जिसमें प्री कैंसरस लीजन्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मैटरनल डेथ कब कंसिडर की जाएगी, जब प्रेग्नेंट वूमेन की डेथ कब हो जाए, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी, ऑफ डेथ ओनली ड्यूरिंग द लेबर। तो अब मैटरनल डेथ है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है जो कंसिडर की जाती है, कब, जो किसी भी फीमेल की डेथ कंसीव करने से लेके 6 वीक तक, जो परपीरियम पीरियड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परपीरियम पीरियड कितने दिन का होता है, 6 वीक का होगा या 42 डेज का होगा, तो डेथ हो जाना कंसेप्शन से लेके, कंसीव करने से लेके 42 दिनों के डिलीवरी के बाद तक भी डेथ हो जाना, वो क्या कहलाएगा, मैटरनल डेथ। और 1 लाख यहाँ पर यदि नॉमिनेटर है जो यूज़ किया जाता है, तो क्या है नॉमिनेटर, 1 लाख। नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एस एम इफ एम यू एस मेड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस, तो एस एम की कंडीशन बच्चे को कब है जो कंसिडर की जाएगी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बच्चे में कब कंसिडर की जाएगी, जब एम यू ए सी कितना हो, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, बिटवीन 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे में क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है जो कब कंसीडर किया जाएगा, जब मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना हो 11.5 सेंटीमीटर से भी कम, क्या है यहाँ पर 11.5 सेंटीमीटर से भी कम है एम यू ए सी, तब हम इसको क्या कहेंगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यदि यहाँ पर ग्रीन होता है तो एम यू ए सी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर होगा नॉर्मली, और यदि येलो है तो 12.5 to 13.5 जो कि बॉर्डर लाइन ऑफ वास्टेड, दैट मीन्स बच्चा बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, तो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। और इसको नापने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो क्या है, साकिर टेप, ये आपको रेड येलो ग्रीन टाइप से एक बैंड जैसे दिख रहा है, क्या है, साकिर टेप, जो कि एम यू ए सी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट, तो डिसेंट्री को लेके सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन, टेनेसमस या फिर प्रेजेंस ऑफ बॉम्ब्स इन स्टूल। तो यहाँ पर डिसेंट्री के फीचर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं है वो क्या है, वॉम्स का प्रेजेंट होना, स्टूल में किसका प्रेजेंट होना, वॉम्स का। नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलोंग विथ मीजल्स वैक्सीन फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ्स, तो 16 महीने यदि बच्चे की एज कितनी हो, 16 मंथ हो, तो मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है कि जब बच्चे की एज 9 साल हो जाती है तो उसी के साथ में ओरल रूट से क्या दे दिया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए का 16 महीने की एज ग्रुप में क्या है जो डोज होना चाहिए, 0.5 लाख आई यू, 1 लाख आई यू, 2 लाख, 2.5 लाख, तो डोज होगा वो कितना, वो 2 लाख आई यू। यदि यहाँ पर क्या कहते हैं, लेस देन 6 मंथ एज कहते तो 50,000, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 महीने से कम एज कहते तो 50,000, 6 महीने से 12 महीने 1 साल तक कहते तो 1 लाख,
लेकिन जब यहाँ पर एज कितनी रखी जाती है, 16 महीने, दैट मीन्स बच्चा कितना है, 1 ईयर 4 मंथ का है, तब कितना डोज देंगे हम, 2 लाख, मोर देन 12 मंथ हो जाता है तो 2 लाख। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंट्स ऑफ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, राइनो, T4, MSZ, सीमियंस वायरस। तो यहाँ पर जो इंसिडेंस सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं कॉमन कोल्ड के, रनिंग नोज के, किससे आते हैं, राइनो वायरस से, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। पर व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या लगाया जाएगा, स्प्रेट, बीटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर नथिंग। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर कुछ भी आपको नहीं लगाना है, विद इन 1 वीक के अंदर ही अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी बेबी से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नथिंग। आप चाहें तो इसको मॉइस्चर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ ना भी लगाएं तब भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नथिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। जो ओपन वायल पॉलिसी है, वैक्सीन वायल पॉलिसी में है, यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी, कौन सी वैक्सीन इसमें आएगी, मीजल्स, पेंटावेलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। जो वैक्सीन यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करेगी वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्या है यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी, किस पर एप्लीकेबल होती है, DPT, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ओपन वायल पॉलिसी किस पर एप्लीकेबल है, यदि पेंटावेलेंट वैक्सीन आपके सामने ना हो, DPT लिखा हो तो उसको मार्क कर सकते हैं, TT हो तो उसको मार्क कर सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन हो उसको मार्क कर सकते हैं, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। ये सभी क्या है यहाँ पर, ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करेंगे। और जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी है जो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो क्या है, मीजल्स, BCG, जेपनीज इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनमें से कोल्ड सोर्स होने के मोस्ट कॉमन ऑप्शंस क्या होंगे, कॉज क्या होंगे, रीजन क्या होगा, कॉन्टैक्ट विद द फीकल ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ईटिंग रोटन फूड। तो कोल्ड सोर्स है, कोल्ड सोर्स किसके थ्रू होता है, HSV वायरस से। तो यहाँ पर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से जो कोल्ड सोर्स होगा, तो ये जनरली कैसे होगा, डायरेक्ट किसिंग करने से। इस तरीके से आपके लिप्स के यहाँ पर, फेस के यहाँ पर क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो किससे होगा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है किसिंग। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशनल डॉर्फिस, मरासमस, क्वासीओरकर या फिर ओवरवेट। तो जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहा है वो कौन सा है जिसमें एडिमा देखने को मिलेगा, तो वो है यहाँ पर क्वासीओरकर। क्या है, क्वासीओरकर। नेक्स्ट वन इज अ टर्म ऑफ लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो टर्म डिस्टोकिया वर्ड यूज़ किया जाता है तब लेबर में कोई भी प्रोग्रेस ना हो, ना ही कोई डायलिटेशन देखने को मिल रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर या फिर ऑपरेटिव लेबर। तो इस तरीके की डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी, डिस वर्ड यूज हो दैट मीन्स कुछ भी एबनॉर्मल हो सकता है, डिसफंक्शनल हो सकता है, तब यहाँ पर डिस्टोकिया वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर, या तो फर्स्ट स्टेज में दिक्कत होगी, सेकेंड में या फिर थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। सभी हेल्थ के डायमेंशन है किसी एक को छोड़कर, फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर होलिस्टिक। तो कौन कौन से हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, बट जो यहाँ पर नहीं है वो कौन सा है, तो वो होलिस्टिक डायमेंशन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, क्या है, डायमेंशन है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, होलिस्टिक डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज विच वन इज़ द ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर। तो ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर का मतलब है जो लोग हेल्थ केयर सिस्टम में गांव लेवल से ही काम करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शहरी क्षेत्र में गांव लेवल से भी काम स्टार्ट होता है। तो वो क्या है, ऑप्शन में ब्लेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनबाड़ी वर्कर, बोथ थे एंड सी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर बोथ थे एंड सी, जो ब्लेज हेल्थ गाइड हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, दोनों क्या करते हैं, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं,
विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा एंड उसे आशा का फुल फॉर्म हरियाणा CHO में आया था, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो भारत की पहली रेफरल यूनिट किसको माना जाता है, सब सेंटर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को या फिर रीजनल हॉस्पिटल को। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है इंडिया में क्या मानी जाती है, CHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है, CHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कॉलेरा वेयर आइडेंटिफाइड बाय, तो विब्रियो कॉलेरा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इनकी खोज कब की गई थी, वो किस सन में हुई थी, वॉन हेल्महोल्ट्ज़ 1843, रॉबर्ट कोच 1843-1910, लुईस पाश्चर या फिर वॉन ल्यूवेनहॉग। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलेरा नाम के दोनों बैक्टीरिया थे इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1843-1910 के बीच में। नेक्स्ट वन इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है, SALF-7 बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है इसका नाम क्या है, यहाँ पर SALF और जो ओरल पोलियो OP भी है क्या है, 7 नाम याद रखें। इनएक्टिवेटेड पोलियो पूछते हैं तो SALF और यदि पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन पूछते हैं तो 7। नेक्स्ट वन इज ग्रे बेबी सिंड्रोम सीन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेलर साइनोसिस एंड बॉसो मोटर कोलैप्स 3-4 डेज और एसोसिएटेड विथ यूज डॉग। यदि बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, बच्चा पेलर हो, साइनोसिस हो, वैसो मोटर कोलैप्स 3-4 डेज हो गए हो इस कंडीशन के लिए, तो किस मेडिसिन के कारण होगा, सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल या वैंकोमाइसिन। तो किसके थ्रू होता है, तो ये होगा सभी क्लोरामफेनिकोल के थ्रू। रेड सिंड्रोम पूछते हैं तो वैंकोमाइसिन, ग्रे बेबी सिंड्रोम पूछते हैं तो क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट वन इज रेड मेल सिंड्रोम, तो मैंने जस्ट अभी बताया कि रेड मेल सिंड्रोम किससे रिलेट करता है, वैंकोमाइसिन से, किससे, वैंकोमाइसिन से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ, तो इनमें से क्या है जो एंटी मलेरिया मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर, मई, जनवरी या फिर जून। तो हर साल एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं, जून में, क्योंकि इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा मच्छर हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, तो इसी मंथ को क्या मनाया जाता है, एंटी मलेरिया मंथ। नेक्स्ट वन इज इन विच 5-ईयर प्लान आशा वॉज इंट्रोड्यूस, तो आशा वर्कर किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, 8th 5-year plan, 9th 5-year plan, 10th 5-year plan या फिर 11th 5-year plan। तो जो आशा वर्कर हैं किस प्रोग्राम के तहत किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, तो 11th पंचवर्षीय योजना में 2007 से जो कि 2012 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, तो यहाँ पर जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद आया था नीति आयोग। तो यहाँ पर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें किसको लाया गया था, आशा वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन सबको पता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, VCG वैक्सीन। नहीं दी जाती है वो कौन सी, वो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। अब यहाँ पर जब बात इन वैक्सीन की हो रही है तो BCG दी जाती है किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, और 1 ईयर की एज तक ही दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल से है जो ट्रांसप्लांट आपको है जो मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो कौन से केस में अर्गोमेट्रिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, सब में दिया जाएगा किसी एक केस को छोड़कर। ऑप्शन में प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जब लेबर कितना हो जाए, लेबर पेन है मोर देन 18 आवर्स से, फर्स्ट सेकेंड स्टेज मोर देन 18 आवर्स से ज़्यादा हो जाए, हम इसको क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर। सीवियर एक्लेम्सिया, प्रीमी ग्रेविडा या फिर नन ऑफ द अबव, तो किस केस में अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, वो होगा यहाँ पर सीवियर एक्लेम्सिया में। क्या होगा, एक्लेम्सिया और सीवियर एक्लेम्सिया में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो अर्गोमेट्रिन है इसको क्या किया जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, तो इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कौन से हैं? रेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इसको फॉल्स लेवर पेन भी कहा जाता है, तो कौन से फीचर हैं वो? तो वह इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, जो क्या है, फॉल्स लेवर पेन है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। जो ट्रू लेवर पेन के साइन होते हैं उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर रहेंगे, जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी धीरे धीरे, और क्या होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, और यहाँ पर लास्ट लॉन्गर भी आएंगे, और आपको बहुत ही ज़्यादा है जो पेन होगा, चाहे आप लेट जाएँ, बैठ जाएँ, उठ जाएँ, कुछ भी करें तब भी। नेक्स्ट वन इज, नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड्यूट्रस एग्जर्ट्स ऑटोकेबल कंप्रेशन व्हेन द प्रेग्नेंट मदर लाइज ऑन हर बैक। तो ऐसी कंडीशन का नाम बताना है जब ग्रेविड्यूट्रस क्या हो जाए, कंप्रेशन के कारण प्रेग्नेंट मदर में यदि आप लेट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं स्ट्रेट, तो आपके लिए जो एग्जर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन सिंड्रोम, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, या फिर लेफ्ट आर्टिकल कंप्रेशन। तो जब कोई भी प्रेग्नेंट मदर ग्रेविड्यूट्रस क्या होगी, ऑटो केवल कंप्रेशन के कारण क्या होगी, एग्जर्ट होगी, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है लेफ्ट साइड लेटने के लिए एज कम्पेयर टू सीधा स्ट्रेट के। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे, ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ाया है और भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी, तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सा इंडिकेटर है, एल एस रेशियो, एस डी रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स, या फिर रेजिस्टेंस इंडेक्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मली एल एस रेशियो होता है वो होता है 2.0 to 2.5 तक, लेकिन अब आपको बताना है कि फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो रेशियो है वो क्या है, एल एस रेशियो, एस डी रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स, या फिर रेजिस्टेंस इंडेक्स है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आज ही आपको वोटिंग इंडेक्स में एक क्वेश्चन ऐड किया है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आप क्या पढ़ना प्रेफर करेंगे, गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे वन वीक तक, वन वीक में जिसमें से चार क्लास आपकी गायनेक की होंगी, कि आपको जो भी रिसेंट में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो चाहिए है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, और जो आपको अभी तक कहीं भी अवेलेबल भी नहीं है, ओनली गवर्नमेंट की वेबसाइट है उन पर है, आपको किसी भी चैनल के थ्रू वो प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके चीज़ ज़रूर बताएं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर आपको क्लास ली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको चैलेंजिंग क्विज मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे आपके NHM के लिए। थैंक यू। क्या होगा LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, क्या है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू दी जाती है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं, कितने से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर इस रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूड का स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक किया जाएगा। अब यदि जो एक रेफरेंस वैल्यू होती है, यदि मोर देन 2.0 है, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, प्रॉपर मैच्योर है, लेकिन यदि यही जब असेसमेंट किया जाएगा, तो जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है, लेस देन 2.0 होगा, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जो बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलप, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन वैल्यू है और रेशियो है LS रेशियो जिसको हम कहेंगे, तो ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या किया जाएगा, फीटल लंग मैच्योरिटी को है जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो यदि यही LS रेशियो लेस देन 2.0 होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर बेबी को RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और यदि यही रेशियो LS रेशियो लेस देन 1.5% होगा, तो बेबी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा और उसको RDS डेवलप होने के फुली चांसेस होंगे। लेकिन यदि जो मदर डायबिटिक हैं, क्या हैं, बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर कैन डेवलप RDS विथ LS रेशियो मोर देन 2.0, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि मदर डायबिटिक है और RDS बेबी होते हैं, तब LS रेशियो कितना होगा, मोर देन 2.0, और जो एक्चुअल रेफरेंस इंटरवल होता है LS रेशियो का कितना होता है, नॉर्मली मोर देन 2.0,
जिसमें फीटल लंग मैच्योरिटी है जो इंडिकेट की जाएगी, लेकिन जो डायबिटिक मदर होंगी उनमें एलएस रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वैल्यू है और फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो एलएस रेशियो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है, तो क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूड लिया जाएगा, यूरिन ली जाएगी सैंपल के लिए, क्या होगा वो एमनियोटिक फ्लूड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो बेंडल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। बेंडल्स रिंग है, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। क्या है? पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेंगी जब लेबर के टाइम पर क्या होंगी, जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल सेगमेंट होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा पार्चुरेशन के टाइम पर, पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर ये क्या करेंगी, पैथोलॉजिकल रिंग है जो कि क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन लाएंगी, किसमें, अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट में, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ये काम कौन करेंगी, बंडल्स रिंग और पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। और ये कब अपना सबसे ज़्यादा काम करेंगी, पार्चुरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ, तो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज लोचिया अल्बा कंसिस्ट ऑफ, तो लोचिया अल्बा में क्या क्या रहेगा, वुंड एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फीटल मेम्ब्रेन, वर्निक सेजोसा, लेन्यूगो एंड मेकोनियम, या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लोचिया अल्बा क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, उसको हम क्या कहेंगे, लोचिया। अब ये तीन टाइप का होता है, लोचिया, अल्बा, सेरोसा एंड रूब्रा। तो सबसे लास्ट में आता है अल्बा, क्या आता है, लोचिया अल्बा। और इसमें क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सेकेंड वन को। अब थ्री टाइप्स का लोचिया होता है जनरली, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी इट्स नोन एज द लोचिया। तीन टाइप का होगा, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। तो पहले रूब्रा होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, फिर होगा सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा। 4 to 10 स्टार्टिंग के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके इनिशियल डे होते हैं 3 to 4 दिन तक लोचिया रूब्रा रहेगा जो कि डार्क रेड ब्लीडिंग होगी। सरोसा में पिंकिश ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगी, वुंड डिस्चार्ज होगा, प्लेसेंटल अदर टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा। लोचिया अल्बा येलो कलर का होगा जिसमें क्या होंगी, डेसिडियल सेल्स होंगी, म्यूकस होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी और एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आया है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सभी किस्में होंगी। लोचिया हम ऑलरेडी एक नहीं एटलीस्ट 100 times से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। लोचिया क्या है यदि पूछते हैं, तो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी। यदि आपको एग्जाम में आता है कि विदाउट डिलीवरी के जो वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है ल्यूकोरिया। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो लोचिया तीन टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। आप इसको RSS के नाम से भी याद रख सकते हैं यदि आपको रूब्रा, सेरोसा, अल्बा में कन्फ्यूज़न है, RSA, रूब्रा, सेरोसा एंड अल्बा। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन इज, तो कौन सी मैकेनिज्म है या फिर कौन सा हार्मोनल लेवल है जिसके कारण, लैक्टेशन के कारण जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो एमनोरिया पीरियड्स स्टॉप रहेंगे और एनवोल्यूशन दैट मीन्स ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑप्शन में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, LH सर्ज, इंक्रीज GnRH सीक्रेशन या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है, दो हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन और प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके कारण लैक्टेशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें एमनोरिया दैट मीन्स पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर होंगे या फिर स्टॉप रहेंगे, और एनवोल्यूशन, तो जो एनवोल्यूशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना, क्या है, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। यहाँ पर अब एक इमेज दी हुई है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं।
तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, एमनोरिया रहेगा और एनवोल्यूशन मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल एंड अ रिडक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग लैक्टेशन रहेगा, क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है हाइपोथैलेमस में, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टेशन क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। और इसी टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज है वो भी कम होगा, जिससे फॉलिकुलर मैचुरेशन को इनहिबिट और स्टॉप किया जाएगा। तो जनरली जो ओव्यूलेशन है और जो एमनोरिया है लैक्टेटिंग मदर में जनरली 6 मंथ तक होता है, एक रेंज रखी जाती है नर्सिंग मदर में 6 मंथ तक, लेकिन ये डिफर करता है अलग अलग फीमेल पर। तो यहाँ पर आपका हार्मोनल लेवल पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। तो लैक्टेशनल मेथड में मेन रीज़न है इसका एमनोरिया और एनवोल्यूशन का, वो क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज, तो कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हम आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में अर्ली वीक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। परसिस्टेंट ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, द इंक्रीज इन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर डिलीवरी, द इंक्रीज इन प्लेटलेट एडहेसिवनेस बिटवीन 4 and 10 पोस्टपार्टम डे, एंड इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इन द फर्स्ट 48 आवर पोस्टपार्टम। क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है जो पीपीएच मदर होंगी, पोस्टपार्टम मदर होंगी अर्ली वीक में, उनमें थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। वो गए यहाँ पर इंक्रीज द फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी, इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, जिसके कारण हम फाइब्रिन डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अनवांटेड फाइब्रिन डिपॉजिट को, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको भी रोक सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, द इंक्रीज इन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, बिकम्स फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम्स अ थिन फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, तो आफ्टर डिलीवरी के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा कैसा, थिन होगा, फ्लैबी होगा और कैसा होगा, कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर यूट्रस क्या करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस क्या करना स्टार्ट करता है, सब एनवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इस टाइम पर बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस का शेप कैसा होगा, थिन फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूट्रस है क्या होगी, बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बेली है इमीडिएटली श्रिंक डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, आपको लगता है कि बेबी बाहर आया, आपका पेट तुरंत है जो क्या हो जाएगा, छोटा जो पेट है आपका, जो एब्डोमेन है वो साइज कम होगी, लेकिन ओनली बेबी और प्लेसेंटा का वेट और जो एमनियोटिक फ्लूड है उसके कारण, लेकिन वैली है आपका वो तुरंत श्रिंक डाउन नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए टाइम पीरियड होता है वापस रिवर्ट होने, वो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन इज अ हेल्थ असेसमेंट रिवील दैट अ वुमेन आफ्टर एन अबॉर्शन हैज इन्फेक्शन स्प्रेड टू हर पैरामेट्रियम, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस फाइंडिंग मेड बाय नर्स विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा है, यदि किसी वुमेन ने घर पर ही अपना अबॉर्शन कर लिया, हॉस्पिटल में किया, लेकिन आफ्टर द अबॉर्शन उसको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ पैरामेट्रियम में, फेलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में, तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे। ऑप्शन में ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड सिक्स सेप्टिक अबॉर्शन। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है पैरामेट्रियम, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में, तो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन।
यदि यही अबॉर्शन जब कर अबॉर्शन है जो इन्फेक्टिव अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है, तो ग्रेड फर्स्ट कंसीडर किया जाता जब ओनली यूट्रस को ही ये अफेक्ट करता। सेकंड ग्रेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, पैरामेट्रियम लेयर है, ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम, इसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो सेकंड में आएगा। थर्ड ग्रेड में जनरली पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटस, एक्यूट रीनल फेलियर, अदर ऑर्गन को भी क्या कर लेगा, स्प्रेड आउट होगा जो इन्फेक्शन, वो क्या कहलाएगा, ग्रेड थर्ड। यदि फर्स्ट पूछे तो डायरेक्ट ओनली यूट्रस, लोकलाइज्ड ओनली टू यूट्रस, सेकंड में जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेगा, थर्ड में अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या है, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के क्वाड्रेंट तक के लिए। प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाइफ, क्या पार्ट होगा जो पेल्विस क्वाड्रेंट से लेके बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। अब यदि कॉमन लाई पूछते हैं तो लाई क्या है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर पेल्विस, तो क्या है, लाई। जनरली तीन टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो कि नॉर्मल है, फिर होती है ट्रांसवर्स जिसमें मल्टीपेराइटी, प्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोमनियस और यूटराइन एनोमलीज में दे होगा। ऑब्लिक में बेबी कैसा होगा, सीधा जो ऑब्लिक लाई होगी उसमें बेबी या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फीटल लाई। यदि कॉमन प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछे तो वर्टेक्स एंड सेफेलिक, और यदि आपसे कॉमन लाई पूछे तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ ईडीडी इज नोन एज। यदि आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग, ईडीडी जनरली दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वीक ज़्यादा हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, प्रीटर्म, पोस्टर्म, प्रेसिपिटेट या फिर स्मॉल फॉर डेट। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी 2 वीक और ज़्यादा हो गए हों, 42 वीक्स से भी ज़्यादा की हो गई हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी जनरली 9 मंथ 38 वीक की, जनरली इसको 37 वीक है जो कंसीडर किया जाता है, और जो ईडीडी है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगल्स फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जाता है। यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो 280 दिन और यदि वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, और यदि ये एक्सटेंड होता है तो क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक के होता है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी। और यहाँ पर आपके लिए फिर आता है बेबी का वेट, तो वेट पर डिपेंड करेगा, LBW है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी, यदि इससे ज़्यादा जाती है तब भी हम इसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन, यदि एग्जाम में आता है कि 42 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट मदर है, बेबी डिलीवर होगा तो क्या साइन होंगे, वर्निक सेजोसा नहीं होगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूड में ही झट जाएगा, प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, स्केंटी सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम होगा और ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा, क्योंकि बेबी क्या हो गया, पोस्ट टर्म। ओवरग्रोन नेल्स, नेल्स आपको बड़े हुए देखने को मिलेंगे, रिंकल्ड स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन फोल्ड थिकनेस देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो क्या आया था, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर जब कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, इसको हम रैपिड लेबर भी कहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यदि प्रेसिपिटेट पूछें तो इसमें 4 स्टेज होती हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटॉमी इज परफॉर्म्ड, तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी किस स्टेज में की जाती है, तो जब बेबी का हेड क्या हो,
क्राउनिंग हो जाए उस टाइम पर क्या किया जाता है, एपिजियोटॉमी की जाती है। तो कौन सी स्टेज होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिस टाइम पर एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है। जनरली एक कट लगाया जाता है आपका वजाइना और एनस के बीच में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट पोस्टपार्टम हेमरेज के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, डिक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो पीपीएच की सिचुएशन है इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच, और वो भी विद इन 24 आवर में। लेकिन जब यदि प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 24 आवर से 6 वीक तक की डिलीवरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल में क्या माना जाता है, 500 ml से ज़्यादा, और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें 1000 ml से ज़्यादा। यहाँ पर यदि कॉज आते हैं एग्जाम में तो यूट्राइन अटोनी लेसरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से क्या है, कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। अब चार टी याद रखना है, टोन टिशू ट्रॉमा थ्रोम्बिन, टोन का मतलब है यूट्राइन अटोनिसिटी, टिशू का मतलब रिटेंड प्लेसेंटा जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी पीपीएच के लिए। प्राइमरी के लिए पूछें तो यूट्राइन अटोनिसिटी और सेकेंडरी के लिए पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। फिर आता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा कुछ भी ट्रॉमा, जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्वर्टेड यूट्रस, कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। लास्ट है थ्रोम्बिन, तो DIVC और कोआगुलोपैथी जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन रीजन है किसके लिए, पीपीएच के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ही इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो पीपीएच की सिचुएशन है इसमें ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पीपीएच का ट्रीटमेंट, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, IV दिया जाएगा, मिथार्जिन, बायमैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट वन इज इफ अ वुमेन हैज गॉट नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज इट्स नोन एज, तो यदि कोई फीमेल 16 साल की एज तक उसके मेंस्ट्रुएशन एक भी बार कभी बार नहीं आए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। कोई वुमेन यदि 16 साल तक की एज हो गई है और उसके अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया, क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। और जब यदि मेंस्ट्रुएशन मेंसेस क्या हो जाए, 6 मंथ के लिए एब्सेंट हो जाए, जो रेगुलर साइकिल किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, लेकिन जून से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, फिर से आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके, ओलिगोमेनोरिया, दैट मीन्स जो इंटरवल है जनरली 5 डेज का होता है, यदि ये 30 डेज का होता है, 28 डेज का, अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो ओलिगोमेनोरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब जो इंटरवल एवरी 28 डेज में मंथली साइकिल है वो कितना आए, 35 डेज से ज़्यादा में आए, पॉलीमेन लेस देन 21 डेज में, मेट्रोरेजिया में बहुत ज़्यादा जो रेगुलर इंटरवल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एंड बिफोर 37 कम्प्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन इट्स नोन एज, यदि कॉन्ट्रैक्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जेस्टेशनल पीरियड के बाद लेकिन 37 कम्प्लीटेड वीक के पहले आते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टम प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ दी अबव, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि प्रेगनेंसी कितनी है, 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है लेकिन 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या कहलाएगी, प्री टर्म लेबर, क्या कहलाएगी, 37 कंप्लीट वीक नहीं हुए हैं, 20 वीक के बाद है, 23 वीक के बाद है, बट बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक, तो क्या कहलाएगा, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर टर्म प्रेगनेंसी कब कहलाती है, जब 39 से 40 वीक का बेबी हो, अर्ली टर्म 37 टू 39 वीक्स, लेट टर्म लेट प्रीटर्म होंगे जो बेबीज 34 से लेस देन 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए हों, वेरी प्रीटर्म जो कि 28 से 32 वीक के पहले हो गए हों, जो 28 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली प्रीबर्थ बेबीज। नेक्स्ट वन इज़
विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन प्री टर्म लेबर, कौन सी मेडिसिन दे के हम जो प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी 37 वीक के पहले ही यदि लेबर पेन होने लगता है या लेबर पेन आते हैं तो हम प्री टर्म लेबर को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो कौन सी मेडिसिन होगी? ऑप्शन में टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, बोथ एंड वी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो पोस्टपोन प्रीटर्म लेबर को हम करेंगे वो कौन सी मेडिसिन होंगे? टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो टोकोलाइटिक एजेंट को क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी जो प्री टर्म प्रेगनेंसी उनको पोस्ट टर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर थोड़ा सा डिले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबलर असेसमेंट इज यूज इन विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बबलर असेसमेंट किया जाता है कब, प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो इसका मतलब क्या है, तो वो पोस्टनेटल असेसमेंट। ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉलर्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटॉमी, ये सभी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं, बबलर असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोस्टनेटल प्रेगनेंसी में, आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचिया और एपिजियोटॉमी, सी सेक्शन हुआ है तो वो चेक है जो किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बबलर असेसमेंट, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है, पोस्टम प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी पोस्टनेटल पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, ऑप्शन में बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH incompatibility, baby birth weight more than 2.8 kg। तो जो यहाँ पर क्लैंपिंग है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है, इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे, तो होगा RH incompatibility, यदि हमने as soon as possible RH incompatibility या फिर कॉर्ड को कट नहीं किया, डिले किया, क्या होने के चांसेस होंगे, RH incompatibility, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, मदर की जो एंटीबॉडी है बेबी में लेबर ना हो पाए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या माना जाता है, डिले कॉर्ड कटिंग को क्लैंप को है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि डिले माना जाता है, ऐसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है जिससे मदर की एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद के लेके कुछ हफ्ते तक कहलाएंगे, परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया, फिर पायरेक्सिया, क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो वो गए यहाँ पर परपीरियम, 6 वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 6 हफ्ते होते हैं बेबी डिलीवर होने के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं, परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर आ जाएगा, कॉज कुछ भी हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बस प्लेवाइटिस, कुछ भी रीजन है जो इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज, लेट डाउन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटलिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग रिफ्लेक्स। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोडक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस ट्यूमरिक। अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की जो 1 tablet होती है उसमें कितना आयरन होगा, एलिमेंटल आयरन 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। जो 1 elemental iron टेबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा, उसमें होगा टोटल 60 mg आयरन। कितना होगा, 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, जो कि 300 mg फेरस सल्फेट होगा और 180 mg फेरस फ्यूमरेट होगा और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट होंगे सभी, लेकिन 60 mg क्या होगा, आयरन की जो टेबलेट होगी एलिमेंटल आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि यूट्रस वापस अपनी पुरानी साइज में रिवर्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन,
सब इन्वोल्यूशन या फिर एक्सट्रैक्शन, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी? यदि यूट्रस वापस अपने पुराने शेप में क्या होती है, रिवर्ट नहीं होती है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ, तो के बाइंड किन पेशेंट को दिया जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। के बाइंड दिया जाएगा जिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हो उनके लिए। किन के लिए? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को क्या दिया जाएगा? के बाइंड दिया जाएगा। के बाइंड क्या है? एक पाउडर मेडिसिन है जो कि हाई पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? के बाइंड के लिए क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज़ बैरल चेस्ट इज सीन इन, तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी? निमोनिया, लिवर फेलियर, एसाइटिस या फिर एम्फाइसिमा। जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसिमा के पेशेंट में देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर बैरल चेस्ट का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन सेफ है जो आपको कैसा आगे को उठा उठा सा देखने को मिलेगा। तो बैरल चेस्ट किसका एक क्लासिकल साइन है? एम्फाइसिमा का। एम्फाइसिमा क्या है? एक तरीके की COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो यदि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो कौन सा करना चाहिए? फर्स्ट वॉइड, लास्ट वॉइड, मिड स्ट्रीम या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन। तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो जो क्या होगा आंसर आपका? मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है जो कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज, जब किसी को इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होगा तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? क्रॉस इन्फेक्शन, एयरट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब किसी की इम्यूनिटी कम होगी उस टाइम पर यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एयरट्रोजेनिक का मतलब होता है कि आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के थ्रू मिले इन्फेक्शन, वो कहलाएगा। और जो नोजोकोमियल है वो किससे होगा? हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज इन बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन यूज़ की जाएगी? ग्रेट सेफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सेफेनियस वैन। तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेट सेफेनियस वैन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट क्या होगा? एड्रेनालिन, लिडोकिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पर जब हम सक्सिनाइल कोलिन देंगे ब्रैडीकार्डिया जो कि कॉज करेगा, क्या है जिससे हम इसको ओवरकम करेंगे? तो वो होगा एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेटल डेथ होती है किसके कारण होती है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS या फिर हेमरेज। तो जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ के लिए वो क्या है? प्रीमेच्योरिटी। क्या है? प्रीमेच्योरिटी। और यदि चिल्ड्रंस में पूछा तो क्या है? डायरिया। बट यदि इन्फेंट यहाँ पर पूछा है कि न्यूनेट्स में, यूनिट में क्या है? प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज विथ द ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट बिटवीन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप से हम कितने वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? 6 to 8 week, 24 to 26 week, 18 to 20 week या फिर 8 to 10 week। तो जो ऑर्डिनरी स्टेटोस्कोप होंगे उनसे हम फीटल हार्ट साउंड जनरली 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। नेक्स्ट